Hello, good morning aspirants. So I am here with another session of daily current affairs from all the prominent newspapers for the upcoming UPSC CSE prelims 2024. Okay, तो हमारा continue कर रहे हैं हम daily newspaper analysis, और जो भी मैंने newspaper या screen पर आप देख रहे हैं, even इनसे भी एक्स्ट्रा कुछ और न्यूज भी हैं, वहां से भी मैं ले रहा हूँ कुछ वेबसाइट्स और कुछ अलग और पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से, और इन सभी से जो रिलेवेंट न्यूज है फॉर प्रीलिम्स 2024 उसी कंटेक्स्ट में हम यह बातचीत करेंगे, तो सभी न्यूज उसी के कंटेक्स्ट में होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द कोट ऑफ द डे, एंड इट इज फ्रॉम मैडलिन अल्ब्राइट अबाउट द डिप्लोमेसी, दैट ए स्किल्ड डिप्लोमेट रेयरली जनरेट्स एक्सट्रीम रिएक्शंस. ओके, तो इसे समझ सकते हैं कि एक डिप्लोमेट की जो खासियत है उस बारे में बताया गया है इन सिंगल कोट. अब नेक्स्ट जो फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है और बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है, और ये देखते ही समझ आ रहा होगा दैट द हेडलाइन में समझ आ रहा है कि भीतर गांव 1500 ईयर ओल्ड मार्वल इन ब्रिक्स. तो यहां हम बात करेंगे, भीतर गांव टेम्पल है, काफी सुना होगा सब लोगों ने, उसी कंटेक्स्ट में बात करेंगे. इट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल इन इंडिया. और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, आज के डिस्कशन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आने वाले प्रीलिम्स पे देखने को मिलेगा, एटलीस्ट एक क्वेश्चन पूरे इस डिस्कशन में, इसलिए इसको बहुत ही सीरियसली और हर न्यूज को बड़े अच्छे से समझ लेना है, ध्यान में रखना है. ठीक है, तो इसमें हम इसे डिटेल में देखेंगे क्या क्या इस आर्टिकल में दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं. पहले मैं कुछ हाईलाइटेड फैक्ट्स की बात कर लेता हूं. भीतरगांव है ये कानपुर के पास में है ये टेम्पल, और यहाँ कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि एक फूलपुर करके एक एंशियंट सिटी हुआ करती थी जो अब नहीं मिलती, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये फूलपुर सिटी में ही जो है उसी का एक पार्ट हुआ करता था ये टेम्पल. ऐसा अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी कहा है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, ये यहां देख रहे हैं अलेक्जेंडर कनिंगम, तो विजिट किया था इन्होंने भी 1877-78 में, और उसके बाद एक बार और, तो दो बार इन्होंने विजिट किया है, मतलब इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं बहुत ज्यादा. ये एक अभी भी हमारी जो हिस्ट्री में देख सकते हैं आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो टेराकोटा पैनल्स है यहां पर वो टेम्पल में आज भी इनका कोई जवाब नहीं है, मतलब इतने बेहतरीन तरीके के जो पैनल्स रखे गए इनमें, टेराकोटा की जो मूर्तियां देखने को मिल रही हैं, ये जो यहाँ देख रहे हैं इन जो ब्लॉक्स में जो मूर्तियां हैं इनकी बातचीत है, तो ये बड़ी गजब की आर्ट है और इसीलिए इसको और भी ज्यादा स्पेशल माना गया है. बाकी इसमें ये भी कहा जाता है कि इसके पास में जो एक रिवर भी है अरिंद रिवर करके, तो ये भी डिस्कशन हुआ काफी बार कि यार इतने सारी मतलब मुगल डायनेस्टी भी रही और काफी बाहर से भी लोग आए और अच्छी खासी लूटपाट हुई, और काफी ज्यादा जो है मंदिरों में बहुत ज्यादा लूटपाट हुई उस टाइम, मंदिरों का काफी नुकसान हुआ, पर ये टेंपल जो है ये कैसे सेफ रह गया, तो उस पर भी काफी डिस्कशन होता है. कुछ कहते हैं कि ये मेन जो रूट्स होते थे उनके पास में नहीं था, थोड़ा दूर था अंदर की तरफ था, और एक अरिंद रिवर थी इसके आसपास की, ज्योग्राफी इस तरह से है इस टेंपल के आसपास की, एक बिल्कुल ये कैसे देख सकते हैं कि एक बिल्कुल छुपी हुई सी लोकेशन देखने में आती है, इतना इजीली जो है नहीं समझ आता कि यहाँ कोई स्पेसिफिक बड़ी मतलब इतनी इम्पोर्टेंट अगर टेंपल लाइक कोई अगर यहाँ पर होगी कोई एस्टेब्लिशमेंट, तो ऐसा नहीं समझ आता. तो ये भी एक रीजन हो सकता है ऐसे, बस अब जो है हिस्टोरियंस के अपने अपने जो है कुछ उनका सोचना है, एक हम देख सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी के साथ सोच रहे हैं कि ऐसे कुछ रीजंस हो सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता क्योंकि काफी पुरानी स्ट्रक्चर है, और इसके टाइमलाइन को लेकर भी काफी डिबेट्स हुई और काफी लोगों के अपने अलग अलग ओपिनियन रहे. अलेक्जेंडर कनिंगम ने कहा कि इवन फिफ्थ सेंचुरी से के भी बात का बताया, अलेक्जेंडर कनिंगम ने सेवंथ और एट सेंचुरी के आसपास की बताई इसी टेम्पल के आर्किटेक्चर को, तो फिर इसके बाद कुछ और लोग आए उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और पहले का है, और फिर
काफी लोगों ने जो है इसके ऊपर डिस्कशन किया, तो एक मोटा माटी जो चीज सामने निकल कर आती है वो ये आती है कि 5th सेंचुरी गुप्ता एरा के अंदर की इसको अभी माना जा रहा है। तो अभी जो इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में दिया है हम उसी को फैक्ट मानेंगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए, और क्वेश्चन बनेगा अगर इस टेम्पल पर तो ये मान के चलिए कि इस आर्टिकल से डायरेक्टली क्वेश्चन बना लिया जाएगा। तो इसको बड़ा ही अच्छे से हम देख लेते हैं जो जो फैक्ट दिए हैं। अब हम सीधे फैक्ट को देखेंगे, कोई इसमें ज्यादा वो दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, इस आर्टिकल को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, गुप्ता एरा टेम्पल, नो डाउट टेम्पल इज डेटेड 5th सेंचुरी, इसी के टाइम में बताया जाता है। यहां तक कि इसमें बताया भी जा रहा है कि इसको देखा जाता है 450 CE के आसपास का टेम्पल बताया जाता है, और उस टाइम का जो किंग हुआ करता था गुप्ता में वो था कुमारगुप्त 1। ओके, 415 टू 455 AD में इसकी रीन हुआ करती थी कुमारगुप्त की। तो उस टाइम बताया जाता है कि इस टाइम शायद ये टेम्पल बना होगा, ये किंग ने नहीं बनवाया है, ये ध्यान रखना है। किंग ने जो बनवाया था उस टाइम नालंदा यूनिवर्सिटी, उसके नाम कुमारगुप्त फर्स्ट का नाम देखा जाता है, ये भी एक अच्छा फैक्ट है इसमें। और कहा जाता है अभी ऑब्वियसली काफी सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हुए उसके बाद से, ब्रिटिशर्स के टाइम भी हुए और अभी रिसेंट में भी चल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अब इसको देखती है। तो बताया जाता है कि इसमें कुछ टेराकोटा फिगर्स हैं उसकी आउटर वॉल्स पर, और ये टेम्पल ब्रिक टेम्पल है, अंदर एक लॉक्ड सेंक्टम सेंक्टोरम है क्योंकि अब अलाउड नहीं किया गया उसमें आना जाना, और शिखर भी है जो बताया जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी हमारी, 1857 की रिवोल्ट थी, उसके कुछ टाइम पहले 2-3 साल पहले जो है ये कोलैप्स हो गया था। तो कुछ उस टाइम की कुछ पिक्चर्स जो ब्रिटिशर्स के टाइम होगी वो उन्हीं से कुछ आइडिया लगता है। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बड़ा एक स्ट्रेंज पॉइंट आता है कि इवन जो सिकंदर लोदी था उसने भी काफी टेंपल आर्किटेक्चर्स को नुकसान किया था, और जो महमूद गजनवी करके थे वो लोग आए थे, उन्होंने भी काफी नुकसान किया था। पर देख के ये लोग बड़ा सरप्राइज है कि ये कैसे बच गया जो कि इतना इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर होते हुए। तो उस पर भी काफी मैंने अभी बताया कि लोगों के अपने अपने मत हैं, अपने अपने विचार हैं उस पर। तो अब यहां देखते हैं, सबसे पहले जो विजिट किया इस टेंपल को उस पर्सनालिटी का नाम आपको ध्यान रखना है, और ये होता था 1875 में जोसेफ डेविड बेगलर करके एक आर्मेनियन इंडियन इंजीनियर होता था जो ब्रिटिश इंडिया के लिए काम करता था, और वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया को रिपोर्टिंग करता था। तो उसी के एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो यहां पर आता है, और जोसेफ डेविड बेगलर को पता चलता है कि यहाँ कोई एक टेम्पल है, और यहाँ का जो लोकल्स हैं वो टेम्पल को एक्चुअल में बोलते हैं कि वो उन्होंने इसको बता रखा था भीतरगांव देवल करके बोला करते थे वो लोग, आगे आएगा ये भी। उसके बाद ये अपनी यहाँ की कुछ पिक्चर्स लेता है टेम्पल की, और वो बड़ा ही इससे काफी इंप्रेस्ड होता है, और इस स्ट्रक्चर के बारे में जाकर जो है अलेक्जेंडर कनिंगम को रिपोर्ट करता है, और अलेक्जेंडर कनिंगम बड़ा ही क्यूरियस होता है इस चीज को देखने के लिए, और जल्दी जो है नेक्स्ट ईयर ही ये जो है वहां से विजिट करता है और ये यहाँ पर आता है। और ये भी बताया जाता है कि बेगलर ने फिर उन्हें कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट्स किए जाने चाहिए, और इसको बिल्कुल मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तो इसको जो आप डॉक्यूमेंट भी करिए। वहां से फिर एफर्ट्स स्टार्ट होते हैं, और यहाँ के एक राजा भी हुआ करते थे शिव प्रसाद करके, इन्होंने भी जो है ASI चीफ अलेक्जेंडर कनिंगम से उनसे कहा था उस टाइम कि आप जो है इसको सीरियसली लीजिए, और इस टेम्पल के बारे में भी इसके भी जो है कंजर्वेशन को लेकर आप एफर्ट्स करिए। तो ये इन लोगों का नाम जो जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक स्टेटमेंट दे देगा और आप बिल्कुल हिल जाएंगे कि क्या क्वेश्चन दे दिया, बिल्कुल ही आपको लगेगा कि एकदम बकवास क्वेश्चन दिखेगा क्योंकि भीतरगांव टेम्पल का नाम मिलेगा पर ये जो डिटेल न्यूज के इस आर्टिकल में है ये बुक्स में नहीं मिलती है, और ऐसे ही क्वेश्चन अब UPSC पूछ रहा है, इसीलिए मैं इतने एफर्ट्स कर रहा हूं आप लोगों के लिए क्योंकि रिलेवेंट है ये। इसके बाद देखने को मिलता है ये फिर से 1878 में फिर से कनिंगम आता है, तो कनिंगम का जो कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। कनिंगम कहता है कि ये टेंपल जो है गुप्ता आर्किटेक्चर के टाइम के फीचर्स बताता है, तो ये एक चीज तो ठीक है सब लोग यही बोल रहे हैं, पर ये कहता है कि 7th और 8th सेंचुरी के आसपास तक हो सकता है, और इस टाइम पीरियड को लेकर कनिंगम ने अपना कंक्लूजन दिया कि जिसको भीतरगांव देवल कहा जाता था उस टाइम वहां के लोकल्स कहते थे कि ये एक बड़ा ही अच्छी एक स्ट्रक्चर है आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और उसमें यह भी कहा कि ये फूलपुर सिटी जो एंशियंट सिटी हुआ करती थी उसका पार्ट मैं मानता हूं इसको। और साथ में ये भी कहा कि जो 1857 की रिवोल्ट थी उसके जस्ट 2-3 ईयर्स पहले जो लाइटनिंग हुई थी उससे एक अच्छा खासा इसका जो ऊपर का जो सेंट्रल डोम था वो डैमेज हो गया था। साथ में इसने एक इम्पोर्टेंट बात है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसने कहा कि ये मैं इसको विष्णु टेम्पल मानता हूं। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि विष्णु टेम्पल के बारे में बताया कनिंगम ने कि मुझे लगता है ये विष्णु टेम्पल रहा होगा। ठीक है, आगे जाकर कुछ और भी चेंजेस आएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हमें शिवा टेम्पल लगता है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है किसके क्या। फिर कुछ और लोग आते हैं जैसे जीन फिलिप वोगल करके है, एक डच संस्कृतिस्ट है एंड एपिग्राफिस्ट, उसने भी जो है एएसआई के साथ 1901 से 1914 तक काम किया था आर्कियोलॉजी के सर्वे के साथ। तो उसने भी इस टेम्पल को 1907 में जो है सर्वे किया, तो उस टाइम इसने कहा कि यहाँ पर जो है ये कहता है कि मुझे लगता है कि ये टेम्पल जो है जो कनिंगम का एस्टिमेशन है उससे लगभग 2 या 3 सेंचुरी पहले का है, तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5 सेंचुरी के बीच तक ये एस्टिमेशन करता है और अभी तक इसी को एक्सेप्ट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर होता क्या है कि टेम्पल की जो डेकोरेशन देखी जाती है तो ये बताता है कि कुछ सिमिलर टेम्पल्स के नाम बताता है कि जैसे निर्वाण टेम्पल करके कसिया यूपी में है, ये निर्वाण स्तूपा भी है इसी टेम्पल कॉम्प्लेक्स के पास में, वहां के सिमिलर लगता है इसको, तो कहता है कि इसको उसी टाइम के आसपास देखा जा सकता है गुप्ता एरा में। साथ में जो है इसके आर्किटेक्चर और प्लास्टर को देखकर जेसी हार्ले और पर्सी ब्राउन ये दो लोग कहते हैं कि ये 450 से 460 के आसपास का होगा। ठीक है, एक हार्ले ने यहां पर फिर से बात की जेसी हार्ले ने कि जो दावत्रा टेम्पल है, ठीक है, दावत्रा टेम्पल है देवगढ़, जिसको दशावतार टेम्पल भी बोला जाता है। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, वहां के लोकल्स इसको दावत्रा टेम्पल बोलते थे उस टाइम दावत्रा, तो एक्चुअल में दशावतार टेम्पल देवगढ़ की बात हो रही है, यूपी में ही है ये भी लोकेशन। तो ये कहता है कि उससे भी मिलती जुलती जो है इसकी सुपर स्ट्रक्चर है, और ये भीतरगांव जो मैंने बताया कानपुर के नजदीक है। तो इट इज द सोल सर्वाइवर ऑफ द इनुमरेबल ब्रिक श्राइन्स विच मस्ट हैव बीन रेज्ड इन द मध्यादि ड्यूरिंग गुप्ता टाइम्स। तो वही बात है, सब लोग कह रहे हैं गुप्ता पीरियड के टाइम से ये रिलेट करके बता रहे हैं ये सब चीजें, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। उसके बाद कुछ चीजें और देख लेते हैं इसमें जो फैक्चुअल चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर मैंने बताया कुमार गुप्त फर्स्ट के टाइम के आसपास का ये निकालते हैं, और यहाँ से एक और पर्सनैलिटी है जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन रहे हैं, अल्बर्ट हेनरी लॉन्गस्ट, वो भी यहाँ विजिट करते हैं 1909 में, और उन्हें टेम्पल काफी डिलापिलेटेड या कह सकते हैं कि एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिलता है। उसके बाद जो कनिंगम की रिपोर्ट होती है उसके बाद से ही जो है पीडब्ल्यूडी वहां से कंजर्वेशन का काम स्टार्ट करती है, हालांकि उस टाइम इतने अच्छे फंड्स नहीं होते हैं तो इतना बढ़िया काम नहीं हो पाता है, पर काफी बाद में अलग अलग राउंड चलते हैं उसके बाद से, और अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से कंजर्वेशन के एफर्ट्स किए जाते हैं, और एट प्रेजेंट जो है अभी एएसआई काम कर रही है। साथ में ये चीजें भी हो जाती हैं कि यहाँ पर जो है जो टेराकोटा फिगर्स हैं वो भी सारे के सारे एकदम उस तरह से नहीं है, काफी सारे डैमेज भी हो गए हैं। और एक चीज और भी हो जाती है कि यहाँ पर ये इसलिए भी आइडिया लगा पाना ये इतना इजी नहीं रह पाता है कि ये एक्चुअल में विष्णु टेम्पल है कि शिवा टेम्पल है कि कुछ अदर है, बिकॉज लास्ट ये बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 170 ईयर्स तक अब तक का टाइम पीरियड देखा जाए तो इतने टाइम में यहाँ पर कोई प्रेयर जो है वो विटनेस नहीं की गई है, तो एक प्रेयर के से आइडिया लगा लिया जाता है कि एक्चुअल में किस गॉड या गॉडेस के लिए प्रेयर्स हुआ करती हैं टेम्पल्स में, तो ये भी एक इस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। एक हिस्टोरियन हुआ करते थे मोहम्मद जहीर करके, उन्होंने कहा कि मैं जो है कनिंगम के साथ डिसएग्री करता हूं और मुझे लगता है ये विष्णु टेम्पल होने की बजाय जो है शिवा टेम्पल है। इन्होंने कुछ रीजंस भी दिए, जैसे कहा कि यहाँ पर गणेशा है वो प्रेजेंट है यहाँ के इन दी बद्रा इन दी साउथ, कुछ ये आर्किटेक्चरल वे में कुछ लोकेशंस बताई कि इस हिसाब से गणेशा की जो है इसमें आइडल है और मैं इसको शिवा टेम्पल मानता हूँ। तो ये इनके व्यूज हैं, और व्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू पर आपको सीधा स्टेटमेंट देकर पूछा जा सकता है, आपको बस आइडिया होना चाहिए, या व्यूज ना देकर आपको एक स्ट्रिक्टली बताया जा सकता है कि शिवाई टेम्पल है या ये विष्णु टेम्पल है, दोनों ही ऑप्शन जो है वो गलत होंगे। हाँ, लेकिन राइटर का नाम मेंशन करके दिया हो तो फिर थोड़ा ध्यान देना होगा कि सही में किसके कि कनिंगम का नाम लेकर दिया है या मोहम्मद जहीर का नाम लेकर। तो ये कहता है कि यहाँ पर काफी शेवा थीम्स भी मिली हैं और हैं बिल्कुल, टेराकोटा पैनल्स में भी हैं जिसमें गणेशा है वो एक प्रोमिनेंट प्लेस पर देखने को मिलता है, और साथ में शिव जो है वो
गजासुर संहार मूर्ति में यहाँ पर देखने को मिलता है, एक पैनल में, कई अलग अलग पैनल जो हैं उसमें, एक पैनल में शिव को इस तरह से भी देखा गया है। बाकी शिव को ऐसे भी देखा जाता है कि वो पार्वती के साथ बैठे हुए हैं और प्रोबेबली प्लेइंग ए गेम ऑफ डाइस, ऐसा भी कुछ देखा जा रहा है किसी और दूसरे तरीके से। तो काफी चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं और उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर कुछ और चीजें जो होती हैं वो ऐसा है कि इसी में जब ये जो भीतरगांव देवल है इसके आसपास में कनिंगम ने डिस्कवर किया था कि यहाँ पर ओल्ड माउंड ऑफ रूइंस भी देखने को मिली थी, विच वर कवर्ड विद द ब्रिक्स एंड ब्रोकन फिगर्स, ठीक है, जिनको लोकल्स कहा करते थे उस टाइम टेम्पल ऑफ जीजी नाग, ठीक है। तो ये बस नाम है, अजीब सा हो सकता है कि जीजी नाग का करके भी बोले एक टेम्पल हुआ करता था, हालांकि बाद में एट प्रेजेंट अब जाकर देखा जाता है तो ऐसी कोई स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलती है, पर उस टाइम ऐसा माना कनिंगम ने कि भी ये एक बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स हुआ करा होगा अपने टाइम में, जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग इस कॉम्प्लेक्स में रही होंगी अलग अलग जगह पर, लेकिन अभी सिर्फ एक टेम्पल जो है एट प्रेजेंट सिर्फ वही देखने को मिलता है। साथ में इसमें और चीजें देखने को मिली, कुछ और फैक्ट्स हैं वो इनको जल्दी से हम क्विकली देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे कुछ और डिटेल में देखते हैं। तो कृष्णा को लेकर भी एक पैनल है, गॉड कृष्णा इज शोन स्लेइंग वृषभासुर, और एक दूसरे पैनल में वो देखने को मिलता है कि दैट ही इज सबडूइंग कुवल यापिदा द डेमन एलिफेंट, एंड इन अनदर पैनल ही इज शोन सीटेड विद हिज एल्डर ब्रदर बलराम, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलता है, बलराम के साथ भी पैनल देखने को मिलता है और दो अलग पैनल और हैं, और एक जगह जो है गोडेस गंगा यमुना और पार्वती ये तीनों जो हैं शिव के साथ बैठी हुई दिखती हैं और जो गेम ऑफ डाइस खेल रही होती हैं, और साथ में दुर्गा जो है वो डेमन्स को नाश कर रही होती है या स्लेइंग ऑफ डेमन्स। तो ये भी देखने को मिलता है इसमें, तो काफी अलग अलग पैनल है इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या बताएं, मतलब क्योंकि जो मैन जो डीटी है उसका आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं, तो इन्हीं के बेसिस पर जो है हिस्टोरियंस अपनी बात बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि जो टेम्पल है उसको लेकर ये भी बताया गया कि कैसे ये इतना सेफ रह गया, इतना आर्टिस्टिकली इतना एडवांस, ये एक स्कल्पचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना एडवांस स्ट्रक्चर होते हुए भी जो है कैसे बच गया, दैट कुड हैव एस्केप्ड द आइकनोक्लास्टिक फरी ऑफ मोमडन कन्क्वायर्स। कनिंगम ने कहा कि हो सकता है वो कई रीजन जो मैंने अभी बताए, लोकेशन जो है इसकी बड़ी रिमोट हो जाती है मेन रूट से, एक जो अरिंद रिवर है उससे भी ये एक सेफ लोकेशन मिल जाती है इसको, ये काफी रीजन इसने बताए। और कहीं पर कनिंगम ने ये भी कहा कि हो सकता है कि प्राइवेट टेम्पल हुआ होगा, कोई एक फेमस लोकल ट्रेडर या कोई फेमस इंडिविजुअल रहा होगा, उसने जो है टेम्पल का यहाँ पर जो है टेम्पल बनवाया होगा, तो इसका इतना ज्यादा जो है उस टाइम इतना एक जैसे बाकी टेम्पल के जो जगह होती थी जहां पर एक पिलग्रिमेज साइट जैसे मथुरा की देख ली जाए या वाराणसी की देख ली जाए वैसी यहाँ पर स्थिति नहीं हुई होगी, इसलिए ये इतना लाइमलाइट में नहीं रहा होगा और इस वजह से भी ये सेफ रह गया। तो ये सब चीजें थी टेम्पल की, अगर उस टाइम की हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो जोसेफ डेविड बेगलर ने जो लिया था फोटोग्राफ वो ये है एक्चुअल में, और एट प्रेजेंट जो देखने को मिलती हैं जो एक्यूरेट अभी देख सकते हैं वो ये है आफ्टर प्रिजर्वेशन। तो ये सब चीजें हैं, तो अब मैं मान के चलता हूं कि यहां से रिलेटेड इस आर्टिकल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग डेफिनेटली हैंडल कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं, और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो इंटरनेशनल रिलेशन से लेकर है, ब्लैक सी से ये न्यूज आ रही है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन से ब्लैक सी के आसपास की देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसीलिए मैं कह रहा हूं आज का जो डिस्कशन है यहां से एटलीस्ट एक क्वेश्चन मानकर चलिए। यहां पर कुछ है जैसे क्रीमियन सिटी ऑफ सेवास्तोपोल होम ऑफ रशिया ब्लैक सी फ्लीट, तो क्रीमिया जो है एक्चुअल में क्रीमिया तो हमें देखने को मिलेगा यहां पर, ये पूरा का पूरा क्रीमिया है, फाइन। और इस क्रीमिया को जो है 2014 में जो है रशिया ने अपने पास ले लिया था यूक्रेन से, तो इसी में जो है ये सेवास्तोपोल करके एक लोकेशन है, ये क्रीमिया में है, रशिया यहां पर है, याल्टा करके भी यहां पर है, ये कर्च स्ट्रेट है, ये सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी दोनों को कनेक्ट करती है, फाइन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। साथ में कुछ और है जैसे नोवारोसिक, ये ईस्टर्न ब्लैक सी पोर्ट में ही है, एक बेस है ये भी, एक यहां पर रशियन ऑक्यूपाइड पोर्ट और देखने को मिलता है बर्डियांस करके। तो ये ऐसे अगर ऐसे पर्टिकुलर नाम एक साथ दे दिए जाए जैसे ये नोवारोसिस्क है ये बिल्कुल रशिया में ही है पर ये ब्लैक सी के कोस्ट पर है, फाइन।
इसमें जैसे ओडिशा काफी न्यूज में रहता है, ये यूक्रेन में है। इस्तानबुल तुर्की का पार्ट है, सी ऑफ मारमारा और ब्लैक सी के बीच में यह देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक चीज और देखने वाली इसमें हो जाती है, जो आर्टिकल में देखते हैं, पहले कुछ लोकेशंस देख लेते हैं, फिर पूरे मैपिंग को करेंगे हम। दो मैप मैंने रखे हैं, पूरी एकदम क्लैरिटी आ जाएगी इसको करने के बाद। बॉस्पोरस स्ट्रेट की बात होती है इसी एरिया से, जो कनेक्ट करती है ब्लैक सी को वाइट अटलांटिक के साथ, ठीक है। कैसे करती है वो भी हम देख लेंगे। वो ऐसे करती है कि यहां पर मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के बाहर अटलांटिक सी है, और यहां पर देखेंगे सी ऑफ मारमारा है बीच में, और ये ब्लैक सी पूरा का पूरा है। तो इन दोनों के बीच में ये देखने को मिलती है बॉस्पोरस स्ट्रेट, दिस वन, फाइन। ये बॉस्पोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मारमारा। सी ऑफ मारमारा से यहां पर एक डर्डानेल्स स्ट्रेट करके एक और है, जो यहाँ पर एगन सी से कनेक्ट करती है, और एगन सी आगे मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन देन फर्दर टू दी अटलांटिक सी, फाइन। तो ये भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती। कच्छ स्ट्रेट की हमने अभी बात की, सी ऑफ अजोव। उसके बाद यहाँ पर एक टगन रोक गल्फ करके भी है, और एक बे यहाँ पर है करके नीट करके, दैट्स इट। बाकी इससे ज्यादा इन चीजों को नहीं देखे कि नाइपर रिवर जो बार बार यूक्रेन से होती हुई आती है, वो यहाँ पर आती है खेरसोन के आसपास, यहाँ पर फिर ये ब्लैक सी में ही आ जाती है, बुरगास की बे करके यहां पर है, ठीक है। साथ में यहां देखते हैं जो ये टर्की लिखा हुआ है, एक्चुअल में अब तुर्की हो गया है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विच कंट्रोल्स एक्सेस टू ब्लैक सी नॉट क्लोज्ड ऑफ दी डार्डेनेल्स एंड बॉस्पोरस स्ट्रेट, फाइन। तो ये सब जो है ये तुर्की के अंडर ही आते हैं एक तरह से, ये पूरा यहां तक, क्योंकि ये लोकेशन यहां तक तुर्की है। तो ये सी ऑफ मारमारा भी तुर्की में आ गया, ये एजेंसी के अगर इस हिस्से में देखें डार्डानेल्स, तो ये भी इसके साथ आ गया। और बॉस्पोरस स्ट्रेट ये पूरी तरह से तुर्की इसको कंट्रोल करता है, यहाँ से होने वाले हर तरह की एक्टिविटी, ट्रेड वगैरह सबको। तो अभी तक ये रशिया के साथ में जो है ये कहा जा रहा है कि कोऑपरेट कर रहा है, और इसने ऐसा कुछ किया नहीं है, कुछ क्लोज नहीं किए हैं यहाँ के रूट्स। अब मैपिंग को देख लेते हैं। मैपिंग से देखने वाली चीजें ये हैं, पहले नेबरिंग कंट्रीज की बात की जाए कि भाई पूछा जा सकता है ब्लैक सी के साथ में कौन कौन सी कंट्रीज है। तुर्की यहाँ देखने को मिल रही है हमें, साथ में यहाँ पर जॉर्जिया है, उसके बाद रशिया देखने को मिलेगा, यहाँ यूक्रेन मिलेगा, और मोल्डोवा नहीं है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है ध्यान रखना, रोमानिया देखने को मिलेगा, बुल्गारिया देखने को मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सिर्फ सिक्स कंट्रीज हैं जो इसका ब्लैक सी के साथ कनेक्ट होती है, इससे ऊपर नहीं जाना है। और ये सी ऑफ मारमारा, देन एगियन सी है, देन मेडिटेरियन सी, और इधर जाएंगे तो अटलांटिक सी, फाइन। ये पूरा यहाँ की बात कर रहे हैं, अटलांटिक सी ये हो जाता है, ये मेडिटेरियन सी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम नीचे वाले जो मैपिंग में जाकर देखते हैं, तो इसमें देखने वाली बात ये हो जाती है कि यहां पर वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, इसमें वही सब चीजें केजिल रिवर करके ये तुर्की में जाती है, यहां पर जॉर्जिया हमने देखा ही था, साथ में रशिया हमने यहां देखा ही था, और ये यूक्रेन का हिस्सा नाइपर रिवर इधर देख लिया हमने, मोल्डोवा इसका पार्ट नहीं है क्योंकि मोल्डोवा एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन जाता है अंदर की तरफ, रोमानिया इसका पार्ट है, देन बुल्गारिया इसका कनेक्टिंग पार्ट है, फाइन। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, और जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो है झारखंड से, और इसमें जैसे हेडलाइन से देख सकते हैं दैट झारखंड गवर्नमेंट ग्रांट्स रुपीज 60 लाख फॉर व्हाट द रिनोवेशन अवेट्स टैगोर हिल मेडिटेशन स्पॉट। तो एक चीज तो टैगोर हिल मेडिटेशन स्पॉट के नाम से है, तो ऑब्वियसली टैगोर से रिलेटेड है, पर कौन से टैगोर ये देखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये न्यूज हो जाती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से कंफ्यूजिंग बन जाएगा आपको, नाम दे दिया जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑब्वियसली सबके दिमाग में ये आएगा, मैंने भी न्यूज के हेडलाइन देखते तो ये समझा था, पर आगे जाके पता चलता है कि रविंद्रनाथ टैगोर का इस स्पॉट से लेना कुछ नहीं है, बट उनकी फैमिली का लेना देना है, इसीलिए इसको टैगोर स्पॉट बोला गया। तो इसको एक्चुअल में टैगोर हिल भी बोला जाता है, अलग अलग नाम इसमें, इसको ब्रह्म स्थल भी बोला गया, इसको टैगोर हिल भी बोला गया, और इसको जो है मोराबादी हिल भी बोला गया, ठीक है, मोराबादी हिल भी बोला जाता है इसको। तो एक्चुअल में जो नोबेल लॉरिएट हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, उनकी फैमिली के इसके साथ कनेक्शंस रहे हैं, इसलिए इसका नाम ऐसा बोला जाता है। यहां कभी भी रविंद्रनाथ टैगोर ने विजिट नहीं किया है, ये ध्यान रखने वाली चीज है यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही क्वेश्चन में आपको जो है ये एक सबसे बड़ा कैच है, इसमें ऐसे ही आपको ट्रैप किया जाएगा
रविंद्रनाथ टैगोर ने यहां पर कभी भी विजिट नहीं किया, पहली चीज ये। उसके बाद मैं देखता हूं सेकंड चीज दैट ऑल्दो रविंद्रनाथ हैड नेवर कम टू द रांची, टैगोर हिल ए स्मॉल हिलोक अर्लियर नोन एज मुराबादी हिल, यह भी बोल ही रहे थे हम। तो इसका एसोसिएशन इसीलिए हो जाता है क्योंकि इनके जो एल्डर ब्रदर है रविंद्रनाथ टैगोर के, ज्योतिरिंद्र नाथ, उनकी वजह से यह है। यहाँ कुछ समय तक वो अपनी लाइफ के जो बाद लास्ट के जो कुछ इयर्स थे वो उस टाइम वो यहाँ पर रहे हैं, ज्योतिरिंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये सब है। उसी बारे में एक और कुछ चीजें यहाँ पर बताइए। तो रविंद्रनाथ टैगोर के एल्डर ब्रदर रहे हैं, उसी टाइम इनकी टैगोर फैमिली में काफी लोग आते जाते रहे हैं। और एक इनकी फैमिली में जो थे फर्स्ट इंडियन जो ICS थे हमारे इंडिया की तरफ से, पहले जो ICS बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, इंडियन सिविल सर्विसेज जिन्होंने ज्वाइन की थी ब्रिटिश टाइम में, वो भी यहाँ पर रेगुलरली आया करते थे, ठीक है। और उन्होंने बताया था सत्येंद्रनाथ टैगोर ने कि यहाँ पर ज्योतिरिंद्रनाथ जो है वो जब अब इनकी वाइफ की डेथ हो जाती है कादम्बिनी की, उसके बाद से उन्होंने अपना जो बाकी का टाइम था वो उसमें से काफी सारा सिग्निफिकेंट टाइम उन्होंने यहीं पर गुजारा था। और भी काफी, जैसे देख सकते हैं कि एक बड़ी अच्छी लोकेशन हुआ करती थी ये। और इसमें बताया जाता है कि उन्होंने अपने डायरी में कुछ यहाँ की चीजें जो मेंशन की, उन्हीं से कुछ पता चल पाता है कि एक्चुअल में उनको यहाँ इस लोकेशन को लेकर उनका क्या कहना था। हालांकि ज्योतिरिंद्रनाथ जो थे वो भी एक बड़ी पर्सनालिटी हुआ करते थे टैगोर फैमिली में, पर ये ओवर शेड आउट हो गए अपने भाई की अकम्प्लिशमेंट रविंद्रनाथ टैगोर की वजह से। तो ये भी जो थे दोनों ही भाई बड़े अच्छे राइटर हुआ करते थे, म्यूजिक कंपोजर और पेंटर हुआ करते थे, ठीक है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। हालांकि लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ये हमें आइडिया होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर को। और कुछ इंपॉर्टेंट काम जो यहाँ पर किए हैं उनके भाई ने, ज्योतिरिंद्रनाथ ने यहाँ पर, तो उसमें कुछ बताया जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक के जो नोट्स थे गीता पर, उनको उन्होंने मराठी से बंगाली में ट्रांसलेट किया था। साथ में इन्होंने क्या किया था कि एक फ्रेंच से एक लिटरेचर का कुछ एक वर्क था मोलियर करके, उसको भी इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया था। कुछ बड़ी अच्छी पेंटिंग्स यहाँ बनाई थी जो कि इवन बाद में जो है लंदन की कुछ वहां की कुछ बुक्स में जो है पब्लिश भी हुई थी। तो समझ सकते हैं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अपने टाइम की हुआ करते थे। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक से जो गीता वाला है ये भी आइडिया होना चाहिए हमें। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। और जो नेक्स्ट न्यूज है, तो फिलहाल इस बारे में ये कहा जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उसके अंडर ये आता नहीं है। तो अभी झारखंड गवर्नमेंट फिर से रिक्वेस्ट कर रही है कि जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो है इसे एक हेरिटेज स्टेटस देकर जो है अपने अंडर ले लेना चाहिए कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ASI ने इसको जो है डिनाई किया, तो उसके बाद से अभी हाईकोर्ट में फिर से लिटिगेशन गई है। हाईकोर्ट ने भी अभी फिर से ASI का व्यू पॉइंट मांगा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट न्यूज, फिर से अफ्रीका से देखने को मिलती है कि अभी सियरा लियोन में कुछ कोप अटेम्प्ट का हुआ है, उसी को लेकर बात होती है। तो बड़ी एक पेनफुल सिचुएशन उधर बनी हुई है काफी कंट्रीज में। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसी 2020 के बाद से इसी डिकेड में, दैट यहां पर जो 6 अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनमें जो है 9 तरह की अलग अलग टाइम पे कोप हुई, और उनमें से जो है कोप या कोप अटेम्प्ट मान सकते हैं, जिनमें नाइजर है, गिनिया है, माली है, बुर्किना फासो, देन गैबोन एंड सूडान, और ये सब के सब अब मिलिट्री रूल के अंडर हैं। और बताया जाता है कि वहां का जो एक जो लोकल पीपल्स है उनका मेनली जो वहां के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट जो इनका एंग्विश है या एंटागोनिज्म है, उसी को देखते हुए जो है वहां की जो आर्मीज हैं जिनको जनता बोला जाता है वो इसका बेनिफिट लेती हैं, और वो जो है टेक ओवर भी कर लेती हैं और उसको लेजिटिमाइज भी कर देती हैं। तो मेनली ऐसा हो देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से वहां का एक जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स दैट इज इकोवास, ये कह रहा है कि ये बड़ा गलत हो रहा है, डेमोक्रेटिक सेटअप बना रहना चाहिए और ये जो मिलिट्री इंटरवेंशन है इससे हम खुश नहीं है। तो इस वजह से इसने काफी कंट्रीज पर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगाए हैं और काफी को जो है इसने वार्निंग भी दी है। तो ये भी एक देखने वाली चीज है। तो इकोवास करके भी इसको भी ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी यहाँ का एक इंपॉर्टेंट सिटी है फ्री टाउन करके सियरा लियोन, उसमें ऐसी एफर्ट की गई इकोवॉस को करके, हम देखेंगे अब आगे जाकर कि ये क्या है। तो सियरा लियोन के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि
थ्रूआउट द वर्ल्ड वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है, तो अगर ऐसी कोप अटेम्प्ट अगर यहाँ सक्सेसफुल होती है तो, और उसके बाद अगर फिर इकोवास अगर इंटरवेंशन करती है और इस पर कुछ अपनी तरफ से इकोनॉमिक अगर सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो इसकी सिचुएशन और भी खराब हो जाने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए फिर तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी ऐसे पुअर कंट्रीज के लिए, तो इस बारे में सीरियस वे में सोचना चाहिए। अब हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से होता है, दोनों तरीके से समझेंगे, मैपिंग में भी चीजें देखेंगे और इकोवासी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ के चलिए इस बार आएगा यहाँ से बिल्कुल एक क्वेश्चन प्रीलिम्स 2024 में यहां से मैपिंग का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल, देख लेना इस बार, तो इसको ठीक से देख लेना है और इसीलिए मैंने इस मैप को रखा है, यहाँ की कंट्रीज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोवास की बात करते हैं तो ये 15 कंट्रीज का ग्रुप है एट प्रेजेंट, ठीक है, द इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, तो वेस्ट ऐसे ही देख सकते हैं कि जो अफ्रीकन कंटिनेंट के जो वेस्ट में जो है वहां की कंट्रीज की बात करें और सारे के सारे नहीं आएंगे, तो इसीलिए हम उनको देखेंगे कौन कौन मेंबर है। इकोवास ट्रीटी जो थी वो एक्चुअल में 1975 में साइन हुई थी, तो वहां से इसका स्टार्टिंग होता है लागोस नाइजीरिया में, फाइन, तो द ट्रीटी ऑफ लागोस करके भी बोला जाता है, तो ये भी बिल्कुल पता होना चाहिए। तो 15 हेड ऑफ स्टेट ने साइन किया था, उसके बाद से इन 15 में से क्या होता है कि एक कंट्री करके मोरिटानिया है वो विड्रू कर गई 2000 में और एक नई कंट्री ज्वाइन कर गई थी 1977 में काबो वर्दी, तो एक्चुअल में 16 हुई फिर वापस 15 हो गई, तो ये 15 ही बनी हुई है, पर एक्चुअल में अब कौन सी है वो हम यहाँ देख लेते हैं। और मोरिटानिया जो है वो भी एसोसिएट मेंबरशिप एग्रीमेंट साइन कर रखी है तो एसोसिएट मेंबर बना हुआ है, तो मोरिटानिया को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा एक, तो एक कोफ वर्डी को, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया तो कंफ्यूज नहीं होना, मोरिटानिया अब इसका मेंबर नहीं है लेकिन फाउंडिंग मेंबर था और काबो वर्डी ने बाद में ज्वाइन किया 2 साल बाद, ठीक है। तो मेंबर्स कुछ इस तरह से हैं, इसके मैपिंग के साथ साथ हम देख लेते हैं मेंबर्स को, ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं और इसमें अलग अलग ये जो कलर है इसका ये लॉजिक है, जो ये डार्क कलर में है दैट वन, तो ये कंट्री जो है वो सस्पेंड कर दी गई इकोवास की वजह से और रीजन वही है वहां पर जो मिलिट्री कूप है उसकी वजह से, ये गल्फ ऑफ गिनिया का हिस्सा है यहाँ पर, तो इसके ऊपर की ये सभी कंट्रीज हैं उन्हीं को हम लेकर डिस्कशन करेंगे यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। ये बताता है पहली कंट्री जो बेनिन है, तो बेनिन की अगर इसमें लोकेशन देखते तो यहाँ पर होगी, उसके बाद बुर्किना फासो, देन बुर्किना फासो यहाँ पर होगा, इसको अभी सस्पेंड किया हुआ है, उसके बाद काबो वर्डी, ये एक आइलैंड कंट्री है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ये जो पूरे हैं ये काबो वर्डी, उसके बाद कोट डिआइवर है, कोट डिआइवर यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट्स इट, उसके बाद गाम्बिया है, तो गाम्बिया जो कंट्री है वो हमें इसमें यहां पर देखने को मिलेगी, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, और इसके बाद ये बाकी का हिस्सा है वो सेनेगल हो जाता है, फाइन, तो सेनेगल यहाँ हो जाता है, टोगो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ये टोगो है, साथ में घाना हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, उसके बाद गिनिया कंट्री देखते हैं हम, ये अभी सस्पेंडेड है, और गिनिया बिसाऊ करके भी है, ये दो अलग अलग कंट्री हो जाती है, ये गिनिया बिसाऊ का हिस्सा हो जाता है, ठीक है, उसके बाद लाइबेरिया की बात करते हैं, उसके बाद हम माली और नाइजर की बात करते हैं, तो माली सस्पेंडेड है, नाइजर यहाँ पर है नाइजीरिया के ऊपर, तो नाइजीरिया भी इसमें आ जाता है और सियेरा लियोन भी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से एक बार पहले भी क्वेश्चन आया था जब यहाँ पर इबोला वायरस फैला हुआ था, तो सियेरा लियोन और ये सब यहाँ के लाइबेरिया करके आई थिंक तीन कंट्रीज का नाम था और वो ऑप्शन सही था 2015 के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद से क्वेश्चन आया नहीं है, तो इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सारे कंट्रीज का आइडिया होना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ से अगर हम देखें कैमरून ये यहाँ है, पर ये जो मेंबर कंट्रीज की बात कर रहे हैं पहले तो हम, तो मेंबर यही हो जाते हैं नाइजीरिया नाइजर और ये सभी कंट्री जो मैंने बताई, फिर से इसको रिवाइज कर लेना, मोरिटानिया जो है इसका एसोसिएट मेंबर है, ध्यान रखें इस बात का, अल्जीरिया यहाँ पर है, तो ये बाकी कंट्रीज इसका पार्ट नहीं है, चार्ड यहाँ है, तो बाकी जो अफ्रीका का मैप होगा आगे की ऐसी जो रिलेवेंट न्यूज होगी उनमें हम डिस्कस करते जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, हालांकि इसका डिस्कशन पहले भी हो गया, द एरा ऑफ क्रिस्पर थेरेप्यूटिक्स, तो क्रिस्पर को लेकर यहाँ से 2016 में जो है प्रीलिम्स पे क्वेश्चन रखा है, जब Cas9 जो क्रिस्पर की जो नई टेक्नोलॉजी आई थी और उसके ऊपर जो है नोबेल अवार्ड भी मिला था, तो उस पर 2016 प्रीलिम्स में या 2016 में क्वेश्चन आ रखा है, तो यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन आना, और जो क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही आएगा, उस टाइम भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही था, तो उसी बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। अभी रिसेंट में हुआ क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम दोनों कंट्रीज ने क्या किया है कि कुछ
क्रिस्पर बेस्ड जो कुछ थेरेपीज हैं उनको अलाउ किया है फॉर पर्टिकुलर डिजीज, और वो डिजीज थी वो मॉलिकुलर एनोमलीज की वजह से थी, यानी कि उनका जो रूट कोज था वो जेनेटिक था, और उसको लेकर हम अभी तक कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए हम एफर्ट क्या कर रहे थे कि उनके जो एक्चुअल में जो सिम्टम थे उन्हीं को ट्रीट किया जा रहा था, अब तक रूट कोज पर काम नहीं हो पा रहा था। तो क्रिस्पर बेस्ड जो थेरेपीज हैं वो बता रही है कि ये बताया जा रहा है रिसर्चर्स के द्वारा कि ये काफी प्रॉमिसिंग है, और इसकी वजह से जो है हम रूट कोज पे काम कर पाएंगे और वो पूरी तरह से जो है उसको एलिमिनेट कर पाएंगे, जो मेन रीजन है जिसकी वजह से ये सब चीजें हो रही हैं। तो जो पर्टिकुलर जो डिजीज है जिनके लिए इन्होंने अलाउ किया है, तो वो है एक तो सिकल सेल डिजीज और एक बीटा थैलेसीमिया। तो जो थैलेसीमिया और सिकल सेल दोनों के लिए यूके ने अलाउ किया है, और नेक्स्ट जो सिकल सेल की बात की जाती है वो अकेले यूएस ने किया है। तो इसी बारे में हम देखते हैं कि बातचीत क्या हो रही है। वो ऐसा है, थैलेसीमिया के अगर अच्छे खासे केस देखने को मिलते हैं, 1 लाख केसेस वर्ल्ड वाइड अभी भी देखने को मिलते हैं इन मिलियन पीपल, तो ये एक बड़ा बड़ा नंबर हो जाता है। और अभी भी जो है 2 करोड़ के आसपास लोग हैं जो सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। और इसी कंटेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्या क्या डिस्कशन हुआ है। पहले तो यह समझना जरूरी है कि क्रिस्पर है क्या, फाइन, और उसके बाद ये देखना है कि इसका इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के डिस्कशन क्यों आ रहा है अभी, और इतना एडवांस भी बता रहा है। तो क्रिस्पर जो है एक्चुअल में अगर इसका फुल फॉर्म देखें, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, फाइन, ये करके है। ये एक्चुअल में क्या है कि डीएनए एलिमेंट्स हैं दैट स्पेनिश रिसर्चर्स ने जो है पहले डिस्कवर कर लिया था 1993 में आर्किया में, फाइन, एंड नेम्ड एंड डिस्क्राइब्ड लेटर इन ए नंबर ऑफ बैक्टीरियल जीनोम। तो पता पहले ही लगा लिया था ऐसा करके, डीएनए एलिमेंट ये है बेसिकली। और इन एलिमेंट्स में क्या होता है कि इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है एक्चुअल में, दैट कंटेन द पीसेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डिराइव्ड फ्रॉम वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियोफेगस एंड अ सेट ऑफ प्रोटीन्स। ये दो चीजें इनमें मिलेंगी, तो हमें एक तो जेनेटिक मटेरियल मिलेगा और साथ में कुछ प्रोटीन मिलेंगे जिनको बोला गया केस, विच मीन्स क्रिस्पर एसोसिएटेड। तो केस का सीधा सा मतलब ये कि जो क्रिस्पर के साथ एसोसिएटेड है, केस एसोसिएटेड यानी कि जो इस डीएनए एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड प्रोटीन है उनको केस बोला गया। तो उसी में से एक प्रोटीन का पता लगाया गया था केस नाइन, और उसका एक पर्टिकुलर आगे देखते हैं कि उसका क्या एप्लीकेशन थी। तो केस नाइन की जो एबिलिटी होती है वो ये होती है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उनको स्पेसिफिक पॉइंट्स पर कट कर सकता है, फाइन, इसीलिए ये काफी न्यूज में था, और इसको एक मॉलिकुलर सीजर का नाम भी दिया गया, ठीक है, जो डीएनए को एक चोजन स्पॉट पर जो है कट कर सकता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह भी हो जाता है कि एक बहुत ही एक्यूरेट वे में और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये काम करता है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक स्पॉट होते हैं वो क्रिस्पर आरएनए की हेल्प से पिक किए जा सकते हैं कि हमें किस स्पॉट पर जो है इसको कट करना है, तो वो और भी एडवांस हो सकता है और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाता है कि आरएनए वाली जो चीजें हैं वो भी हमने 2 साल बाद यानी कि 2012 में वो भी फाइंड आउट कर ली थी, दैट ए वे टू क्रिएट सिंथेटिक आरएनए दैट कुड बाइंड टू केस 9 एंड गाइड इट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑन डीएनए वेयर इट कुड एडिट द डीएनए। तो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं हम, यहाँ पर डीएनए एडिटिंग चलेगी, डीएनए एडिटिंग चलेगी। तो डीएनए एक तरह से डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, फाइन, तो इसमें एक्चुअल में ये एक जेनेटिक मटेरियल ही है, और इसमें अगर कोई इश्यू हो रहा है, कोई एबनॉर्मेलिटी अगर है इसमें, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ इशू जो है हमारी बॉडी में देखने को मिलता है, उसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर डिजीज देखने को मिलती है। तो अगर हम सिम्टम्स को ट्रीट करने के बजाय अगर यहाँ की जो उस एबनॉर्मेलिटी को ही अगर हम जो है फिक्स कर दें, तो इश्यू ही खत्म हो जाएगा, वो डिजीज ही खत्म हो जाएगी, ये हमारा एफर्ट है। तो इसके लिए हम उस डीएनए में जो है पर्टिकुलर जिस लोकेशन पे हम देखते हैं कि जहां एनोमलीज हैं उनको हटाने के लिए उसको बोला जाता है इस वे में कि उन पॉइंट्स पर जो है कट लगाएं और उन चीजों को हटा दिया जाए, ठीक है। तो सिमिलरली होता क्या है कि इसके लिए भी वहां पर जो है एक आरएनए जो है, आरएनए का एक अलग काम होता है, आरएनए ही एक्चुअल में वहां आइडेंटिफाई करके बता पाता है एक्चुअल में कि किस किस लोकेशन पर इश्यू है और उनको एफिशिएंटली रिमूव किया जा सकता है। तो इन दोनों का हेल्प करके और फिर ये चीजें होती हैं। तो इसी के लिए 2020 में नोबेल प्राइज भी मिला था केमिस्ट्री में, जो 3 साइंटिस्ट ने इस बारे में इस पर पूरा काम किया था। और उसके बाद देखते हैं कि जो केस 9 है कुड बी टारगेटेड टू स्पेसिफिक जीनोम लोकेशंस बाय
क्रिस्पर आरएनए, तो क्रिस्पर आरएनए का रोल ये हो जाता है, ये इसको गाइड करता है और एक बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड लोकेशन इसको बताता है कि जहां पर जो है इसको कट करना है और चीजों को एडिट करना है, दैट्स इट। इसीलिए इसको बोला जाता है मॉलिकुलर सीजर, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद चीजें और देखते हैं इसमें, तो ये यूज किया जा सकता है टू एडिट एंड जीनोम्स ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, में भी देखा गया, प्रोकैरियोटिक में तो हो ही रहा था, इसको यूकैरियोटिक में भी देखा गया, तो ये भी एक बड़ी वो जरूरी हो जाती है, फाइन। और ये इनोवेशन जो है उसके बाद से ही जो है काफी चीजें देखी जा रही है और काफी अब इस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर में भी अगर बहुत एडवांसमेंट अगर लाने होंगे तो उनमें भी बहुत हेल्प मिलने वाली है हम लोगों को, और अगर हम देखें तो मेडिसिन में भी हेल्प मिलेगी, बायोटेक्नोलॉजी में भी कुछ नए इन्वेंशन हो सकते हैं और काफी वाइड स्प्रेड इसके एप्लीकेशन को अभी सोचा जा रहा है इस बारे में। तो अभी जो अप्रूव की गई है एक्चुअल में जो क्रिस्पर बेस्ड मेथड को लेकर जो ड्रग्स अगर हमने अभी अप्रूव की है यूके यूएस में, तो उसका ब्रांड नेम इन्होंने कासगेवी करके है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था दो तीन दिन पहले। और इस मेथड को जो क्रिस्पर बेस्ड मेथड पर ये जो ड्रग है उसको बोला गया है एग्जाम ग्लोजिन ऑटोटेम सेल, ये एक मेथड है जिसके ऊपर ये बेस्ड है एंड ये दिस इज सोल्ड अंडर द ब्रांड कासगेवी टू ट्रीट सिकल सेल डिजीज एंड ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट बीटा थैलेसीमिया, फाइन। उसके बाद हम देखते हैं कि इन क्लोज सक्सेशन द यूएस एफडीए आल्सो अप्रूव्ड कासगेवी टू ट्रीट सिकल सेल, तो यूएस ने भी ये सिमिलर यही किया, ठीक है, वही चीजें जो अभी हमने बताई यूके में, तो दोनों के लिए ही है। तो कासगेवी में होता क्या है कि इसमें जो पेशेंट की जो ब्लड स्टेम सेल है ना एक्चुअली वो एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है और फिर उनमें जो जीन है उनको मॉडिफाई कर दिया जाता है टू रिमूव द डिफेक्ट दैट प्रोड्यूसेस द सिकलिंग एंड रीग्राफ्टेड बैक, तो जो जीन की वजह से सिकलिंग हो रही है उन जीन्स को रिमूव कर दो उस ब्लड स्टेम सेल में से, और उसके बाद से जो है जो आपने बिल्कुल मॉडिफाइड जो स्टेम सेल है उसको वापस रीग्राफ्ट बैक कर दो, उससे क्या होगा कि दीज सेल्स देन प्रोलिफरेट टू प्रोड्यूस नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स, जब नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स ये प्रोड्यूस करने लगेंगी तो डिजीज प्रोक्योर हो जाएगी परमानेंटली, क्योंकि इश्यू तो यही है सिकल सेल का। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि लाइनस कार्ल पोलिंग करके एक जो है एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने इवन 74-75 ईयर्स पहले उन्होंने बताया था कि ये प्रॉब्लम जो है सिकल सेल वाली एक मॉलिकुलर डिसऑर्डर है, ये नॉर्मल वैक्सीन या इनसे ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होने वाली है, और उसके बाद से जो है साइंटिफिक कम्युनिटी जो है इस पर रिसर्च करने में लगी हुई थी, और अब जाकर कहा जा रहा है कि हाँ एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इसको बोला जा सकता है इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। तो इसमें भी कुछ चीजें ये देखने वाली हो जाती हैं कि कुछ अप्रोच होती है अब इससे कि एक बेस एडिटिंग होती है एक प्राइम एडिटिंग होती है। बेस एडिटिंग में क्या होता है कि साइंटिस्ट जो है वो जीनोम को एडिट किस रिजोल्यूशन पर कर सकते हैं, तो वो बताते हैं कि जो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक्चुअल में, तो वो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड के स्केल तक जो है वो इसको एडिट कर सकते हैं, और इसी को बोलते हैं बेस एडिटिंग, फाइन। डीएनए चेन जो होती है उसमें हम देखते हैं उसमें मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, फाइन, जो आपस में एक चेन बना के रखते हैं, तो उसमें अगर आप सिंगल न्यूक्लियोटाइड के लेवल तक अगर इसमें उस रिजोल्यूशन तक जाकर अगर साइंटिस्ट एडिट कर पा रहे हैं तो वो बेस एडिटिंग होती है। इसी में एक होती है प्राइम एडिटिंग, ठीक है। तो इस प्राइम एडिटिंग में क्या होता है कि इसमें और भी आगे चला जाता है सर्च एंड रिप्लेस स्ट्रेटेजी, कि ये एक नई इमर्जिंग टेक्निक आ रही है इसमें और भी आगे की, जिसमें डायरेक्ट आपको उसी टाइम जो है एक तरह से ये हो जाता है कि आपको ऑन द स्पॉट इसमें और ज्यादा हाई एक्यूरेसी के साथ इसमें ट्रीटमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि ये क्विकली आइडेंटिफाई करता है एक्चुअल में जिस लोकेशन पे और जिस जीन को आइडेंटिफाई करके रिमूव करना है और उसके डिफेक्ट्स को हटाना है, और तुरंत वहीं पर जो है ये उसकी हाई एक्यूरेसी के साथ उस चीज को पूरी तरह से जो है एक एडिटिंग का काम होता है उसको प्राइम एडिटिंग, तो एक तरह से ये भी है। और ऐसे ही कहा जाता है कि इसकी वजह से हम मॉडिफाई कर पाते हैं जो एपिजेनेटिक इफेक्ट्स होते हैं, जो बॉडी के एनवायरनमेंट के इफेक्ट उसके जीन्स पर होते हैं उनको हम चेंज कर पाते हैं जिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, फाइन। तो ये चीजें हो रही हैं, पर इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि हमें सिर्फ यही नहीं देखना है कि इसकी वजह से जो एक ऑब्वियसली एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज आया है, पर ये चीज भी हमें नहीं भूलनी है कि इसके भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो और ऑब्वियसली कुछ साइड इफेक्ट ये भी हो सकते हैं, अगर एक्यूरेसी में थोड़ा भी 0.1% भी अगर कुछ ऊपर नीचे होता है या 1% तो बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा, तो आपको काफी ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से एक्यूरेट वो थेरेपी नहीं होगी।
तो उस केस में भी हमें बोले हमें ये समझना होगा कि क्या क्या किस किस तरीके के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या उससे जो है पेशेंट को नुकसान हो सकता है, तो वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। पर फिलहाल ये एक अच्छा स्टेप है कि हमने अलाउ तो किया, और इंडिया के केस में तो ये अभी बहुत लंबा पीरियड है, हमारे पास इतनी एडवांस अभी टेक्नोलॉजीज इस केस में नहीं देखी जा सकती। फिलहाल इन दो कंट्रीज ने अलाउ किया तो एक लंबा पीरियड देख सकते हैं हम, 4-5 साल बाद देखते हैं कि इंडिया में भी इस कंटेक्स्ट में क्या चीजें सामने आकर आती है। नेक्स्ट न्यूज इकोनॉमी से है दैट जी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की जो यील्ड है वो डिक्लाइन हो गई आफ्टर द यूएस ट्रेजरी यील्ड्स ड्रॉप। ये चल ही रहा है 2-3 दिन से यूएस ट्रेजरी की, इसलिए हो जाती है बिकॉज यहाँ का यूएस फेड ने जो है रेट्स को कंटिन्यू रखा है, उन्होंने ना कम किया है ना इंक्रीज किया है, तो इससे एक साइन आ जाता है कि वहां पर ऑब्वियसली जो इन्फ्लेशन की चीजें हैं वो भी अब पेनफुल नहीं है यूएसए में। तो अब कहा जा रहा है कि 2024 में जो है वहां की यूएस फेड जो है अपनी इंटरेस्ट रेट्स कम करने वाला है, और उसको देखते हुए जो है अब इन्वेस्टर वहां से पैसा निकाल रहे हैं और अल्टरनेटिव मॉनेटरी सोर्सेज में लगा रहे हैं। लाइक हमारे यहाँ पर भी अच्छा खासा एफपीआई आ रहा है हमारे भी स्टॉक मार्केट में, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इनके ऊपर जो है यील्ड्स कम होने लगी हैं, लोग कम अब इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इस वजह से इनकी बॉन्ड्स की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और सेम चीजें जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड जो हमारे यहाँ की हैं उनके साथ भी सेम चीजें हो रही है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज हो जाती है, बाकी और भी डिटेल में मैं इसके बारे में और भी कंसेप्चुअल चीजें मैं बताऊंगा एक अलग से लेक्चर लेके, क्योंकि इस बारे में खूब डिस्कशन हुआ है, सभी तरह की जरूरी चीजें अगर लगेंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल यही है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हीमोफीलिया से लेकर है कि हीमोफीलिया पेशेंट्स इंडिया में गेट ए शॉर्ट इन आर्म। तो एक्चुअली क्या हुआ कि एक नई गाइडलाइंस आई है हीमोफीलिया के कंटेक्स्ट में, और ये गाइडलाइंस जो है वो यहां से हैं, द HHCN करके एक बॉडी है इंडिया में, हीमोफीलिया एंड हेल्थ कलेक्टिव ऑफ नॉर्थ, इनकी तरफ से जो है कुछ नई गाइडलाइंस आई है, और उनको लेकर बताया जा रहा है कि ये इंडिया के केस में जो है हीमोफीलिया के साथ जो लोग सफर कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जो कि क्या करता है एक्चुअल में कि ब्लड को क्लोट करने में इतना अच्छा नहीं रहने देता, कम क्लोटिंग होती है और उसकी वजह से जो है ब्लीडिंग और ब्रूजिंग की रिस्क बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, अगर सीवियर इंजरी होती है तो बहुत, अगर टाइमली अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो देर इज ए मच मोर चांसेस टू सकम टू द इंजरीज ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट। तो इसीलिए इंडिया का ये भी एक बताया जाता है कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ हीमोफीलिया पेशेंट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो कुछ पर्टिकुलर चीजें इसमें बताई, एक तो ये आइडिया होना चाहिए हमें, कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर इन्होंने कहा कि कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज किया जा सकता है, लाइक एमीसीजुमैब नाउ अवेलेबल इन इंडिया टू बी प्रोफाइलेक्टिक टू प्रिवेंट हीमोफीलिया एंड इरिटेटेड ब्लड डिसऑर्डर फाइन। साथ में इन्होंने कहा कि जो नई गाइडलाइंस वो ये भी रिकमेंड करती हैं कि आप अडॉप्ट करिए एडवांस्ड केयर लाइक नॉन फैक्टर रिप्लेसमेंट करके, इसमें कुछ आती है थेरेपी या प्रोफाइलेक्सिस केयर टू टैकल ब्लीडिंग। तो ये सब इसी रिलेटेड नेम्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ये सब चीजें थी इसमें। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, और जो नेक्स्ट न्यूज है वो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो इसमें साफ साफ समझ आ रहा है कि जो इंडिजिनियसली बिल्ट जो यूनिट 4 है एट काकराबार एटॉमिक न्यूक्लियर जो पावर प्रोजेक्ट है वहां पर उसने क्रिटिकलिटी अटेन कर लिया। तो क्रिटिकलिटी का सीधा सा मतलब है कि जब वो उसकी जितनी कैपेसिटी है वो उसकी पूरी कैपेसिटी पर काम करने लग जाए, वो अचीव कर ले, वो प्रोडक्टिविटी कंप्लीट अचीव कर ले रिएक्टर, तो उसी को हम क्रिटिकलिटी बोलेंगे। और इसी केस में जो है एक तो लोकेशन पता होनी चाहिए, तो पहली बात तो लोकेशन काकराबार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है वो गुजरात में है, फाइन, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो गुजरात इसमें लोकेशन है पहली चीज, ये हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि इसकी यूनिट जो अभी स्टार्ट की है इसकी कैपेसिटी क्या है, तो हम देख लेते हैं इसकी कैपेसिटी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक ये इसकी है, फाइन, विच इज द लार्जेस्ट इंडिजिनियस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर टू बी बिल्ट बाई NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड विच इज ए PSU ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये पता होना चाहिए। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डायरेक्टली आता है PMO के अंडर, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, फाइन, कोई और मिनिस्ट्री नहीं है इसके लिए।
ये भी पता होना चाहिए एनपीसीएल को लेकर। और ये जो रिएक्टर है वो कैसा है, पीएचडब्ल्यूआर विच मीन्स प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें क्या होता है कि नेचुरल यूरेनियम को तो यूज किया जाता है एज ए फ्यूल और हैवी वाटर को यूज किया जाता है कूलेंट एंड मॉडरेटर। ठीक है, ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्योंकि हैवी वाटर इसमें ड्यूटेरियम यूज किया जाता है फिर, ठीक है, D2O करके रादर देन H2O। और ऐसा नहीं है कि NPCIL का ये पहला प्रोजेक्ट है, इससे पहले कि NPCIL और भी प्रोजेक्ट चला रही है इंडिजिनियसली लाइक, और वो भी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लाइक विथ 220 मेगावाट इलेक्ट्रिक एंड 540 मेगावाट कैपेसिटी बाकी अदर लोकेशंस पर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और सारी चीजें देखते हुए ये जरूर देखना है कि जो रिएक्टर की जो पहली क्रिटिकलिटी है वो असटेंड की जाती है आफ्टर इट मेट ऑल कंडीशन सेट आउट बाय द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB इंडिया न्यूक्लियर सेफ्टी वॉच डॉग। तो AERB की जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी कंडीशंस रखी जाती हैं, उन सबको जब अचीव कर लेता है एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, तो उसको बोल दिया जाता है कि ये इसकी क्रिटिकलिटी जो है इसने अचीव कर ली है। अभी हमारी अगर इस बारे में देखा जाए कि न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी कैपेसिटी एट प्रेजेंट कंट्री की वो 7480 मेगावाट इलेक्ट्रिक है, फाइन, ये यूज हो सकता है कहीं फैक्ट्स में वैसे भी एक, और ये अभी जो ऑपरेट कर रहे हैं 23 न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी रिएक्टर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, वैसे भी दिया जा सकता है कि 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिक का एक रफ एक आइडिया देके भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इससे ऊपर है या इससे कम है, तो उसमें भी आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो AERB की बात की है इस बारे में हम समझ लेते हैं कि AERB है क्या और इस बारे में हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में AERB क्या है, सॉरी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, ये इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1983 By the President of India by exercising the powers conferred by the Atomic Energy Act 1962। हर लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है, फैक्चुअली क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और 1962 एक्ट के अंदर ये 1983 में आता है, अलग से फिर एक्ट लाने की जरूरत नहीं होती, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर ही प्रेसिडेंट डायरेक्टली इसको बना देते हैं, तो हम बोल सकते हैं स्टेट्यूटरी बॉडी है, फाइन, टू कैरी आउट सर्टेन रेगुलेटरी एंड सेफ्टी फंक्शंस अंडर द एक्ट। द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ AERB इज डिराइव्ड फ्रॉम द रूल्स एंड नोटिफिकेशंस प्रमल्गेटेड अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट, तो है ही है, साथ में द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, और ये यहां से क्वेश्चन आएगा तो ये डेफिनेटली ये ऑप्शन में देखने को मिलेगा, और यहीं पर सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ठीक करूं या हटा दूं, पॉइंट, तो ये रहेगा इसमें। ठीक है, मिशन की बात करते हैं, तो इसका मिशन है टू एंश्योर द यूज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डज नॉट कोज अनड्यू रिस्क टू द हेल्थ ऑफ पीपल एज वेल एज द एनवायरमेंट, दोनों चीजें कंसिडर की जा रही है। ठीक है, साथ में AERB का जो मैंडेट है वो क्या मिला हुआ है इसको भी, दैट टू एनफोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रमल्गेटेड अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 फॉर एंश्योरिंग रेडियोलॉजिकल सेफ्टी इन द कंट्री, पहली चीज तो ये इसकी बार बार बात हो रही है, एंड द अदर वन इज AERB आल्सो एडमिनिस्टर द प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ये यहां फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 भी इसमें पार्ट हो जाता है, फॉर एंश्योरिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी इन द यूनिट्स ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी दैट आर अंडर द परव्यू ऑफ द बोर्ड, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और जो रिलेवेंट चीजें थी वो मैंने यहां डाल दी हैं। अगर क्वेश्चन यहां से रिलेटेड बनेगा तो इस पेज से ही आपका बन जाएगा और आप इसको आंसर कर पाएंगे। उसके बाद कालेश्वर प्रोजेक्ट काफी न्यूज में रहा, इस बार फिर से आया, तेलंगाना में इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आई है, ऑब्वियसली ये नई गवर्नमेंट अब इस बार जो कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है, तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट इसी प्रोजेक्ट को लेकर चल रही थी, तो थोड़ा तो उसमें चेंजेस और ये सब चीजें होने वाली हैं, ये एक वैसे भी बना हुआ है ट्रेडिशन सा, तो उसी कंटेक्स्ट में ये ज्यादा न्यूज में चलेगा अभी, तो इसी बारे में मैंने इससे रिलेटेड सभी चीजें ले ली हैं कि प्रोजेक्ट क्या है। यहाँ की इससे रिलेटेड कुछ बैराजेस की बातचीत हुई थी, और बैराजेस में एक आता है मेडिगाडा बैराज, एक अनाराम बैराज, ये इसी प्रोजेक्ट पर है। पहली चीज इसमें इतना ही था, इसके बाद में डिटेल में जो अगर हम चीजें देखते हैं वो यहां से देखेंगे कि एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट है क्या और क्या क्या बातें इसमें की जा रही हैं। तो देखते हैं कि जो कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये तेलंगाना को ड्रॉट प्रूफ बनाने के कंटेक्स्ट में काम कर रहा है बाय हार्नेसिंग द फ्लड वाटर्स ऑफ रिवर गोदावरी, ये ध्यान रखना है, तो रिवर गोदावरी पर ये प्रोजेक्ट है।
अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं ऑन गोदावरी रिवर इन कालेश्वरम भूला भूपलपल्ली तेलंगाना, ये लोकेशन है इसकी, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ये एक्चुअली बन कहाँ रहा है, तो इट इज एट द कन्फ्लुएंस पॉइंट ऑफ प्राणहिता रिवर एंड गोदावरी रिवर। लोकेशन भी देख लेते हैं प्राणहिता और गोदावरी रिवर पर। प्राणहिता रिवर है, ये कैसे आती है, इसमें भी कई रिवर्स मिलती हैं लाइक वर्धा पेनगंगा एंड वेनगंगा, तो इनडायरेक्टली ये जो है गोदावरी की ही ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, और वैसे प्राणहिता ये तीनों रिवर बनके प्राणहिता बनती है, वर्धा पेनगंगा वेनगंगा। उसके बाद देखते हैं गोदावरी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर दी गंगा, दैट्स इट। ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से स्टार्ट होती है और उसके बाद इसके जो ड्रेन एरिया है या इसका ड्रेनेज का जो स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र भी है, तेलंगाना भी, आंध्रा भी है, छत्तीसगढ़ भी, उड़ीसा भी है, कर्नाटका भी है, फाइन, और अल्टीमेटली एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। और मेजर जो ट्रिब्यूटरीज इस रिवर की देखते हैं, पूर्णा है, प्राणहिता है जो अभी देखा हमने, इंद्रावती है, सबरी रिवर है, और अगर राइट बैंक पर देखते हैं तो प्रवर है, मंजीरा है एंड मेन्नाइर है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इस पे कुछ बैराजेज हैं जो अभी देख रहे थे, मेडीगड्डा, अन्नाराम एंड सुंडिला, फ्रॉम विच वाटर विल बी मूव टू फिल दी येलमपल्ली एंड श्री राम सागर प्रोजेक्ट। उसके बाद कुछ देखते हैं, इसमें कुछ मिशन भी चल रहे हैं कालेश्वरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लाइक मिशन काकाटिया एंड मिशन भागीरथ। काकाटिया में क्या करते हैं, वहां के वाटर रिचार्ज को लेकर फोकस किया जाएगा, और मिशन भागीरथ में वहां पर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने पर ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, ये कहा जा रहा है कि जो 6 GHz स्पेक्ट्रम है वो वाईफाई के लिए इंडिया अब चाह रहा है कि हम जो है वाईफाई के लिए अवेलेबल करवा देंगे इसको। तो अभी रिसेंट में इतनी बड़ी न्यूज क्यों हो जाती है, उसकी वजह यह होती है कि अभी रिसेंट में क्या होता है कि एक यहाँ पर जो मीट होती है, वर्ल्ड रेडियो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस होती है दुबई में, वहां पर इंडिया ने यह बात कही होती है, अपना प्रपोजल रखा होता है कि इंडिया जो है अब 6 GHz बैंड को जो है वो मोबाइल सर्विसेज के लिए अलाउ करेगा, और जो वाईफाई सर्विसेज है उनके लिए अलाउ करने का सोच रहा है। तो इस पे इसलिए भी बड़ी बात हो जाती है, बिकॉज अभी तक क्या हो रहा था कि 6 GHz बैंड जो है वो कंप्लीटली क्या है, इसरो के पास है, इसरो ही इसे यूज कर रहा है, उसी के सैटेलाइट ऑपरेशंस में यूज हो रहा है। तो इसलिए इसमें देखने वाली बात हो जाती है कि किस तरह से अलाउ करते हैं क्या क्या। तो अभी सिर्फ इस पर ऑफिशियली कोई डिस्कशन बाहर नहीं आया है, अभी तक सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही है कि कौन कौन सा बैंड अलाउ करेंगे। तो एक न्यूज में 500 MHz की बात की जाती है, दूसरे में 100 MHz की, एक में अपर एक में लोअर लेवल। तो अभी इस पर डिटेल में ये सब चीजें नहीं देखेंगे हम, वो बाद में जाकर देखेंगे हम, ठीक है, आगे आने वाली न्यूज में। फिलहाल ये आइडिया होना चाहिए कि क्या बेनिफिट्स हो सकता है। तो अगर ऐसा करते हैं हम, तो इससे ये हो सकता है कि जैसे अभी जो नई फ्यूचर वाईफाई टेक्नोलॉजीज हैं लाइक वाईफाई 6E, वो बेटर स्पीड और लो लेटेंसी के साथ काम कर पाएंगे हमारे यहाँ पर। टेक फर्म्स भी इससे बेनिफिट हो जाएंगी, दैट विद इन अ हाउस और इन अ शॉपिंग मॉल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर क्या हो सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा डाउनलोड सर्विस जो है वो काम कर सकती है ऑन वाईफाई वाइड ब्रॉडबैंड पर रादर देन वायरलेस मोबाइल इंटरनेट। तो उससे क्या होता है कि वो अपनी स्पेसिफिक जो अगर अपनी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट कर पाएंगे, उनको उस पर्टिकुलर लोकेलिटी में लोगों के साथ, उनकी अपनी एप्लीकेशन के साथ जो है, और उन फीचर्स को जो है सबसे ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे, उनकी एडवर्टाइजिंग में एडवर्टाइजिंग जो रेवेन्यूज है वो भी इनको मिल पाएगा, ये सब चीजें हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट जो न्यूज है, ये नेक्स्ट न्यूज जो है फिर से IR से लेकर है और इसराइल के कंटेक्स्ट में है। यहां पर एक लोकेशन देखने को मिलती है, द केरम शलोम क्रॉसिंग बॉर्डर। तो ध्यान रहे, इसराइल गाजा के बीच की ये लोकेशन है, यहाँ पर दो बॉर्डर्स की आज बात हुई थी, एक केरम शलोम क्रॉसिंग है, केरम शलोम इसराइल गाजा, उसके बाद एक और लोकेशन देखने और इरेज क्रॉसिंग, ये दोनों इसराइल और गाजा स्ट्रिप के बीच के हैं। एक चीज देखते हैं हम इसमें कि जो गाजा की जो राफा क्रॉसिंग है वो किसके कंटेक्स्ट में बात की जाती है। अगर राफा क्रॉसिंग नाम आता है तो समझ जाइए कि इजिप्ट के साथ है, इसराइल के साथ नहीं, ठीक है, गाजा स्ट्रिप विद इजिप्ट, फाइन। इरेज क्रॉसिंग या इरेज क्रॉसिंग या इरेज बॉर्डर क्रॉसिंग, इसको बीत हनून क्रॉसिंग भी बोला जाता है, मेजर क्रॉसिंग है इसराइल की और गाजा स्ट्रिप के बीच में, ठीक है, और ये गाजा स्ट्रिप के नॉर्दर्न एंड पर है, ऊपर की तरफ वाले हिस्से में, बिटवीन द इजरायली किबुत्स ऑफ इरेज। इरेज ये किबुत्स है, किबुजिम के बारे में, किबुतिज्म के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस शायद मैंने बिफोर 10th of December मैंने बात की है, इस बार इस पर क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है। किबुत्स या किबुतिज्म करके जो है, अगर ये टर्म क्वेश्चन में दिख जाए तो समझ जाना कि इसराइल की बात हो रही है। थ्रू आउट द वर्ल्ड ये टर्म सिर्फ यही यूज होती है, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लीजिए अभी। और बीत हनून करके ये पैलेस्टीन टाउन है, इन दोनों के बीच की जो ये क्रॉसिंग है,
उसी की बात हो रही है इंग्रेज में। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, ये क्राफ्ट प्रोसेस से ये पेपर मेकिंग को लेकर है। अब क्या हो रहा है कि क्राफ्ट प्रोसेसिंग के थ्रू पेपर बनाए जा रहे हैं, पहले क्या होता है कि इससे भी ज्यादा टॉक्सिक मेथड्स यूज किए जा रहे थे, उनको रिप्लेस कर दिया, पर अभी भी यहां पर ऑथर कह रहा है कि यह भी कोई ज्यादा खास इको फ्रेंडली मेथड नहीं है, ये भी एनवायरमेंटली अनवायबल ही बता रहे हैं। और उसकी मेन रीजन ये है कि इसमें बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम होता है, वही मेन रीजन है, बिकॉज इसमें क्या होता है कि जो वुड चिप्स हैं वो ट्रीट किए जाते हैं विथ वाटर एंड अलोंग विद दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस सोडियम सल्फाइड। तो इन तीनों का यूज करते हुए जो है इसमें पेपर बनाने का प्रोसेस कंटिन्यू किया जाता है, जिससे ये क्या होता है कि ये मिक्सर एक हाईली अल्कलाइन बन जाता है, जिसको इवन व्हाइट लिकर भी बोला जाता है। फाइन, तो ये और एट ए रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर ये सब चीजें होती है। और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो वुड चिप्स में जो लिग्निन है और जो हेमी सेलुलोज एंड सेलुलोज है उनके बीच में जो बॉन्ड्स है उनको ब्रेक किया जा सके, ठीक है, ताकि एक वुड पल्प तैयार हो सके और उसके बाद उसमें फर्दर केमिकल ब्लीचिंग और प्रोसेसिंग करके एक पेपर जो है, एक जो हमारे पास जो अवेलेबल पेपर होता है, एक फाइनल प्रोडक्ट वो तैयार हो सके। तो इसमें यह भी देखा गया है कि जो स्ट्रेंथ जो पेपर की होती है वो एक्चुअल में केमिकल प्रोसेस पे डिपेंड करती है, जिसको सल्फिडिटी से रिलेट करके देखा जाता है कि उसमें एक्चुअल में अमाउंट ऑफ सल्फर कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि आपके पेपर की स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो कहीं कहीं ये जो पेपर कंपनीज या नोटबुक वाली कंपनीज में देखने को मिलेगा कि सल्फर फ्री करके भी आता है, तो ऐसा भी कुछ एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलेगा, वो इसी कंटेक्स्ट में है शायद वो इसमें, पर ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता, तो वो आगे देखने वाली बात होगी, क्योंकि ग्रीन वॉशिंग भी हो सकती है। ये सल्फर का यूज यहाँ बता रहा है अभी तो क्राफ्ट में, और इससे एडवांस ऑब्वियसली काम तो चल रहा होगा कुछ टेक्नोलॉजीज पर अभी देखने में नहीं है ये। तो इसमें हायर सल्फिडिटी की बात होती है, तो जो पहले के प्रोसेस होते थे उनमें सल्फिडिटी बहुत ज्यादा यूज होती थी, अब क्राफ्ट में जो है वो सल्फिडिटी कम होती है, बस इतना ये चेंज आया है। हालांकि अभी भी यूज हो रहा है, पहले के जो प्रोसेस थे वो ज्यादा टॉक्सिक होते थे, ज्यादा रिसोर्स इंटेंसिव होते थे, अब कम हो गए हैं। पर समस्या इस प्रोसेस के साथ ये है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम करता है, बस यहीं पे जाके बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। टू रिमूव द लिग्निन फ्रॉम द वुड चिप्स आल्सो डिस्चार्ज द लिग्निन थ्रू वाटर अलोंग, तो क्या होता है कि लिग्निन फिर वाटर के साथ चला जाता है, कुछ कार्बन डिजोल्ड होता है वो भी आ जाता है, ये एल्कोलाइन भी आ जाते हैं और हैवी मेटल्स भी, तो इनको रिमूव करने के लिए फर्दर फिर वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, तो ये रिमूव हो जाते हैं, ये तो इश्यू नहीं है, ये तो इको फ्रेंडली बन जाता है। फिर इस प्रोसेस में जो एक अच्छा खासा पानी यूज हो जाता है, और ऑलरेडी वाटर क्राइसिस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसलिए एनवायरमेंटली अनफ्रेंडली ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह है। तो ये क्राफ्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात की, द हिंदू की साइंस से था। अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ जाती है आज मथुरा कृष्ण जन्म स्थान से लेकर, ये इंडियन एक्सप्रेस से मैंने आर्टिकल लिया, एक्सप्लेन्ड हिस्ट्री को लेकर, कि जो अभी शाही ईदगाह मॉस्क है उसकी सर्वे को लेकर अभी अलाउ किया है वहां के हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, तो उसी बारे में बात करते हैं कि मॉस्क कब बनी। एक्चुअल में 17 सेंचुरी में यहाँ पर जो है शाही ईदगाह मॉस्क बनाई थी मुगल एम्परर औरंगजेब ने। बाकी कुछ रिलेटेड फैक्ट्स यहाँ के देखते हैं कि मथुरा जो है इसकी एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंस देखी जाती है वो मौर्यज के टाइम से स्टार्ट हो जाती है, 14th to 2nd century BC के टाइम से ही, उसी टाइम से हम देखते हैं कि मथुरा के बारे में कुछ चीजें देखने को मिलती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव हब उसी टाइम का हुआ करता था, ठीक है। यहां पर पहला जो वैष्णव टेम्पल की बात की जाती है यहाँ कृष्ण जन्म स्थान साइट पर, तो एक अंदाजे से बताया जाता है कि फर्स्ट सेंचुरी में बना होगा, फर्स्ट सेंचुरी CE, ओके। एंड इससे भी जो बड़ा टेम्पल है वो बताया जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड, या जिसको विक्रमादित्य बोला गया, जो कि एक गुप्ता रूलर था, उसके टाइम शायद अराउंड 400 सी के आसपास जो है पहला यहाँ पर सबसे बड़ा टेम्पल बना होगा। तो गुप्ता रूलर का लेना देना है, उनके टाइम पर यहाँ पर चीजें हुई होंगी। अलेक्जेंडर कनिंगम जो अभी हमने देखा फर्स्ट ASI हमारा था ब्रिटिशर्स का, तो उसकी तरफ से भी बताया जा रहा है कुछ फैक्ट, उसने भी कुछ ऑब्जर्वेशन अपनी दी। वो कहता है कि यहाँ पर एक्चुअल में पहले ना बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर हुआ करती थी, फिर उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया और उसके बाद कुछ जो है हिंदू टेम्पल्स बनाए गए, और यहाँ के एक्सकेवेशन इस एरिया में करते हैं तो हमें जो है यहाँ पर लार्ज बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स देखने को मिले हैं। साथ में ऑब्जर्वेशन ये भी बताती है कि हालांकि फर्स्ट मिलेनियम CE में यहाँ पर कृष्ण जन्म स्थान पर जो है जो टेम्पल्स थे उन्होंने यहाँ पर अच्छे खासे नंबर में डिवोटीज को अट्रैक्ट किया, ये फ्रॉम अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, फाइन ये भी बात है, तभी से लोग आना जाना लगे थे यहाँ पर। और ये भी कहा गया कि जो बुद्धिस्ट और जैन साइट्स हैं वो भी यहाँ पर जो है
हिंदू टेम्पल्स के साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं, और जो एंशियंट मथुरा जो था वो एक मेजर बुद्धिस्ट और जैन सेंटर हुआ करता था टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्हें इग्नोर नहीं करना है। कुछ रोल देखते हैं फिर, महमूद गजनी जो था, जो सुल्तान ऑफ पर्शियनेट गजनवीद एम्पायर का जो था 1998 to 1030 CE के टाइम, उसने यहाँ पर काफी रेड्स की थी इंडिया में, हमारे यहाँ पर सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स, और उस दौरान जो है ये मथुरा में आया था 1017 और 1018 में। और तब बताया जाता है एक महमूद जो हिस्टोरियन हुआ करता है महमूद कसीम फरिश्ता के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि काफी ज्यादा नुकसान इस सिटी को हुआ था, मथुरा सिटी को, और यहाँ की जो पिलग्रिमेज साइट्स थी मेनली जो टेम्पल्स थे उनमें काफी डैमेज हुआ था, और यहाँ पर अच्छी खासी जो है पूरी सिटी में आगजनी भी हो गई थी, उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ था। साथ में कहा जाता है कि जो जैन और बुद्धि सेंटर थे वो ऑलरेडी डिक्लाइन में है यहाँ पर, डिड नॉट सर्वाइव द ऑनस्लॉट बाय महमूद गजनवी। ठीक है, वो तो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, लेकिन जो कृष्णा के जो वर्शिपर थे गॉड कृष्णा के, जिन्हें वासुदेव कहा जाता है यहाँ पर, और ये वासुदेव यहाँ पर कहा गया था किसके द्वारा, ख्वारिज्माइन हिस्टोरियन और पॉलीमेथा अल बिरोनी, ईरान से थे एक्चुअली, ये ईरानियन एट प्रेजेंट देखा जाए तो ईरानियन जो हिस्टोरियन था उसने वासुदेव कहा था यहाँ के वर्शिपर और कृष्णा को, उसने कहा कि ये ज्यादा रेजिलियंट माने गए इन सब अटैक्स होने के बाद भी, गजनी के जो अटैक हो गए उसके बावजूद भी, और यहाँ पर जो है तब से ये चीजें अभी तक बनी हुई हैं, और इवन अब तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बहुत ज्यादा नंबर में यहाँ पर टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। अलबिरुनी मेंशन करता है कि मथुरा जो है वन ऑफ द फॉरमोस्ट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज हुआ करता है इंडिया में। ठीक है, जैसे वाराणसी है उसी तरह से देख सकते हैं। साथ में इंस्क्रिप्शन मिलती है एक संस्कृत में यहाँ पर अबाउट 1150 CE से, वो कहती है कि यहाँ पर विष्णु टेम्पल की फाउंडेशन होती है इसी साइड पर, वेयर द कटरा केशव देव टेम्पल है, आज का जो कटरा केशव देव टेम्पल है वहां पर विष्णु टेम्पल की बातचीत होती है। साथ में कृष्ण जन्म स्थान पर जो टेम्पल है वो काफी ब्रिलियंटली व्हाइट और बड़ा ही ऊंचा टेम्पल बताया जाता है उस टाइम, और कहा जाता है कि शायद प्रोबेबली सिकंदर लोदी जो हुआ करता था 1458 से 1517 में, जो दिल्ली का सुल्तान जब बना, तो हो सकता है उसने यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान किया होगा टेम्पल्स का, क्योंकि उसका पैटर्न रहा है डिस्ट्रक्शन का, दिल्ली सल्तनत के टाइम भी ये काफी ज्यादा इश्यूज हुए और उसमें सिकंदर लोदी का भी नाम आता है। फिर क्या होता है कि जब ये सब चीजें हुई, अच्छा खासा यहाँ पर प्लंडरिंग हुई, अच्छा खासा डैमेज हुआ, उसी दौरान इस डिक्लाइन के पीरियड के दौरान ही क्या होता है कि यहाँ पर एक नया इमर्जेंस देखने को मिलता है, न्यू फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म इन दिस रीजन। ठीक है, वैष्णविज्म का एक नया चीजें देखने को मिलती है, और उसमें कुछ लोग आते हैं जैसे निम्बार्क है, वल्लभाचार्य है, चैतन्य है, आर दी थॉट टू हैव इंस्पायर्ड द रिक्लेमेशन ऑफ ब्रिज, तो इन लोगों का भी अच्छा खासा रोल इस में देखा जाता है। मुगल्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो मुगल के बारे में कहा जाता है कि जब बाबर और हुमायूं पावर में थे तो उन्होंने तो जो है यहाँ पर रिलीजियस एक्टिविटीज को कंटिन्यू रहने दिया ब्रिज में, और उन्होंने तो जो है एक तरह से कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली उन्होंने प्रमोट ही किया था, कोई इनका कोई खास ऐसा डिस्ट्रक्शन वाली चीजें नहीं देखी जाती इनके टाइम में। हाँ, लेकिन जो चीजें इंप्रूवमेंट देखा जाता है वो फर्दर जो है अकबर का एक लंबा पीरियड रहा उसके दौरान देखा जाता है, और अकबर यहाँ पर इवन खुद भी जो है एटलीस्ट कम से कम जो है 3 बार मथुरा और वृंदावन में विजिट कर चुका है, और कहा जाता है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो रिलीजियस फिगर्स थे या जो सेंट थे उनसे काफी मुलाकात भी की, जिनमें एक स्वामी हरिदास के बारे में बताया जाता है कि उनसे भी अकबर मिला है। साथ में अकबर के अंडर जो कुछ राजपूत जो हिंदू रूलर्स थे वो जो हाई पोजीशन पर अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में हुआ करते थे उनका भी रोल यहाँ बताया जाता है, जैसे कि 1618 में जो कहा जाता है कि जो अकबर का जो बाद में जो जहांगीर था, तो जहांगीर और राजा वीर सिंह देव जो ओरछा किंगडम का जो क्या होता था कि रूलर होता था, राजपूत रूलर जो कि वैसल स्टेट होती थी मुगल एम्पायर में। ठीक है, तो राजा वीर सिंह देव ने जहांगीर के टाइम में जो है यहां पर एक टेंपल बनवाया था, यह भी कहा जाता है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्टली बन सकते हैं कि किस किसके टाइम पर यहाँ पर एक्टिविटीज कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हुई और किसके टाइम पर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज हुई। तो जहांगीर के टाइम भी ठीक चल रहा था, दारा सिकोक जो हुआ जो एल्डेस्ट सन था शाहजहां का, उसने भी रिनोवेशन यहाँ पर ऑर्डर किया था कि रिनोवेशन करवाया जाए और काफी जगह स्टोन रेलिंग भी इंस्टॉल करवाई थी। पर फिर क्या होता है कि शाहजहां का जो सक्सेसर जो एक्चुअल में बनता है वो औरंगजेब बनता है। ठीक है, दारा सिकोक
को वो हड़प लेता है उससे सब चीजें, औरंगजेब उसका छोटा भाई। और वहां से क्या होता है कि 1660 में बताया जाता है कि औरंगजेब ने यहाँ पर अब्दुल नबी खान करके एक बंदा होता है उसको मथुरा का गवर्नर अपॉइंट कर दिया जाता है, और वो ऑलरेडी हिंदूज के बीच में काफी अनपॉपुलर होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इनफेमस होता है। और इस वजह से यहाँ बताया जाता है कि इसने काफी ज्यादा नुकसान किया है यहाँ पर। और इसी के टाइम ये भी कहा जाता है कि इसी ने जो है अब्दुल नबी खान ने औरंगजेब के टाइम यहाँ पर जामा मस्जिद बनवाई थी उसी लोकेशन पर जहाँ पर काफी सारे टेम्पल्स हुआ करते थे जिनको सिकंदर लोदी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इवन इन 1666 ही डिस्ट्रॉय द रेलिंग बिल्ट बाई दारा सिकोक अराउंड द केशव डे टेम्पल। तो काफी चीजें देखने को मिलती हैं, काफी रूलर प्रोटेक्टिव भी रहे हैं या प्रमोटर भी रहे हैं और काफी डिस्ट्रक्टिव भी रहे हैं। तो ये सब पता होना चाहिए मुगल टाइम में किसने क्या किया होगा, दिल्ली सल्तनत के टाइम किसने क्या किया और किस किस रूलर का क्या क्या रोल रहा। तो एक्चुअल में एक्सप्लेन वर्जन से है और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। साथ में 1670 की बात होती है कि औरंगजेब ने ऑर्डर किया था यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ऑफ केशव द टेम्पल। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रक्शन ही ऑर्डर कर दिया था और कहा कि यहीं पर जो है शाही ईदगाह मॉस्क बनवा दी जाए। तो यही मैन अभी जो है हाईकोर्ट में जो मुद्दा गया है कि शाही ईदगाह मॉस्क का वहां पर सर्वे करवाया जाए। और जब अब हिंदू पक्ष कहता है कि नहीं यहाँ पर हमारा जो केशव द टेम्पल था वो औरंगजेब ने तोड़वा कर ये सब चीजें करवाई थी, तो हमें एक्चुअल में हमारा ओरिजिनल स्ट्रक्चर यहाँ पर रिस्टोर करनी है, ये सब मुद्दा है। मथुरा के ब्राह्मीन्स के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने भी जो है आगरा की जेल से शिवाजी को निकलने में हेल्प की थी उस टाइम, ठीक है, ये भी रोल बताया जाता है। साथ में ये भी कहा जाता है दारा सिकोक ने जो है केशव देव टेम्पल को पेट्रोनाइज करवाया था जो कि औरंगजेब का मेजर राइवल हुआ करता था, ठीक है, उस टाइम बादशाह बनने के लिए। और उसके बाद देखा गया जब औरंगजेब के टाइम ये सब चीजें हुई कि यहाँ पर जो अब्दुल नबी खान आया गवर्नर बन के उसने ये सब चीजें की, तो इवन ये भी हुआ कि यहाँ के जो जाट लोग थे इन्होंने यहाँ पर अपराइजिंग हुई काफी देखने को मिली 1669 और 70 में। और इवन इन्होंने एंड ऑफ द डे क्या किया कि इन्होंने अब्दुल नबी खान का मर्डर भी कर दिया था 1669 में। तो तब से ये मुद्दे इतने आसान नहीं देखे जा सकते। फिर देखा जाता है कि मथुरा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 1803 में अपने अंडर ले लिया था, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए मथुरा कब आया क्योंकि मथुरा की बातें हो रही है सारी। और 1815 में कंपनी ने क्या किया कि यहाँ की जो लैंड थी कटरा केशव देव टेम्पल के साइड के आसपास की उसको ऑक्शन कर दिया टू राजा पत्नीमल को, ठीक है, जो वाराणसी का एक वेल्थी बैंकर हुआ करता था। और फिर उसने भी यहाँ पर क्या किया कि इस पर काफी ऑनगोइंग लिटिगेशन इसको लेकर अभी चल रही है। तो यहीं से फिर ये राजा पत्नीमल से जो क्या होता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इन्हीं की फैमिली से 1944 में जो जुगल किशोर बिरला करके वो इस लैंड को ले लेते हैं और वहां से जो है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट वहीं से स्टार्ट होता है, वहीं से बनता है और उसके बाद से ये सब चीजें चल रही होती हैं। तो ये हमें जो भी डिटेल में चीजें यहाँ पर थी वो मैंने बता दी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अवॉइड नहीं करना है, ये मैं अभी से बता दूं। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं और जो नेक्स्ट न्यूज है वो यही है, फिर से आईआर की है लीबिया के आसपास। तो देख सकते हैं कि एक्चुअल में माइग्रेंट वेसल जो है वह कैप्साइज हो गई है ऑफ लीबिया कोस्ट। तो ये देख सकते हैं मेडिटेरियन सी में ये प्रॉब्लम हुई है, मेडिटेरियन सी के यहां पर लीबिया कंट्री का ये है पूरा मैपिंग और ये त्रिपोली इसकी कैपिटल है और ये जुवारा करके लोकेशन है जहां पर ये हादसा हुआ है। तो ये पता होना चाहिए ये ट्यूनिशिया की लोकेशन है यहाँ पर। तो मेडिटेरियन सी के आसपास के कंट्रीज का हमें पूरा आइडिया होना चाहिए, ग्रीस यहाँ पर है, इटली यहाँ पर है और ये मैपिंग में मैंने रखा भी है, यही सब इसमें से देखना है। देखिए यहाँ से लीबिया ये पूरा कंट्री, इजिप्ट यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर इसराइल और गाजा स्ट्रिप यहाँ पर देखेंगे, लेबनन यहाँ पर देखेंगे, सीरिया यहाँ पर देखेंगे, तुर्की यहाँ देखेंगे, देन ग्रीस, इटली, स्पेन यहाँ देखेंगे, मोरक्को यहाँ है, अल्जीरिया ये है और ट्यूनिशिया यहाँ पर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, फाइन। उसके बाद ये पनामा कनाल से लेकर एक ये जो यहाँ पर न्यूज है, यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं तो उसी में लेकर मैंने मैप में रखा कि पनामा कनाल, क्योंकि अब बात हो सकती है स्वेज कनाल के कंटेक्स्ट में दूसरी रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है या ज्योग्राफी के जो चौक पॉइंट्स हैं ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछे जा सकते हैं। तो ये एक पूरी पनामा कंट्री है एक्चुअल में, दिस वन, इसमें ये पनामा है, ये एक कनाल है, यहाँ से ट्रेड रूट एक्चुअल में कैरेबियन सी को पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, ये कनाल है, तो ये सॉरी पनामा कनाल है। तो हम देख सकते हैं कि ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट हो जाता है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका यानी कि ऊपर यूएसए, मेक्सिको और कनाडा देखने को मिलेगा, यहाँ साउथ अमेरिका का पार्ट हो जाता है, यहाँ कोलंबिया,
इन दोनों के बीच में देखने को मिलती है और यहाँ कोस्टा रिका है, तो ये आइडिया होना चाहिए मैपिंग का। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ये पीएम आवास योजना ग्रामीण से लेकर न्यूज है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेंटर जो है इस स्कीम में इस बार के बजट में जो भी एलोकेशन किया था उसमें से ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ जो है वो सेविंग होने वाली है। तो इस बार हाईएस्ट फाइनेंशियल ईयर 24 में या इस बजट में हाईएस्ट जो एलोकेशन हुआ था 54,000 से भी ऊपर का था, तो उसमें भी जो है 14,000 करोड़ के आसपास की सेविंग जो है होने वाली है। वजह क्या है वो भी हम देख लेते हैं। एक तो वजह है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं दिया गया इस बार, और उसकी मेन वजह यह रही कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होने के बावजूद जो है इसका नाम चेंज किया गया और इसको बंगला आवास योजना करके और अपने वहां पर एक लोकल स्कीम या स्टेट की स्कीम के रूप में इसको जो है स्पॉन्सर किया, तो उसके बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसके लिए कोई फंड्स नहीं दिए। ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की, जिसके अंडर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड्स भी मिलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। साथ में क्या होता है कि तेलंगाना और पुडुचेरी को भी इस बार जो है इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर कोई फंड नहीं मिले, क्योंकि ये दोनों स्टेट जो है तेलंगाना स्टेट और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी जो है इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, तो ये मेन रीजन है। और कुछ स्टेट्स में क्या हुआ है कि जो ऑन टारगेट जो काम होना था वो पूरा हुआ नहीं, तो उन्होंने अपने फंड जो है वो यूटिलाइज नहीं किए हैं, ये भी एक रीजन है। स्कीम की जो लॉन्च की बात होती है तो 2016 से लॉन्च होती है, और हमारा एक टारगेट रखा था गवर्नमेंट ने कि हम जो है अप्रैल 1 2016 से स्कीम इन इफेक्ट आ जाती है, और बताया जा रहा है कि मार्च 2024 तक जो है 29.5 मिलियन पक्का हाउस जो है वो हम दे देंगे। तो अभी अचीवमेंट काफी अच्छी है, बताया जा रहा है कि इनमें से 29.5 मिलियन हाउस जो है वो सैंक्शनड हो चुके हैं, और उनमें से 25.1 मिलियन हाउस जो है वो कंप्लीट भी हो गए हैं ऑन December 7, 2023। तो बड़ी अच्छी ये एक अचीवमेंट भी है, हमें पता होना चाहिए स्कीम को लेकर। और भी बेसिक चीजें से रिलेटेड होगी हम देख लेंगे। पोस्ट ऑफिस बिल करके अभी पार्लियामेंट में आया है, इसी को लेकर देखते हैं कि किसको रिप्लेस करने की बात हो रही है। तो ये रिप्लेस किया जा रहा है 125 ईयर ओल्ड हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। फाइन, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, कुछ और पर्टिकुलर चीजें होंगी ले लेंगे। फिलहाल इसमें कुछ इतनी चीजें कि कुछ इसके सर्टेन सेक्शंस हैं उनको चेंज करके कुछ इनमें अमेंडमेंट किया जा रहा है और एक नया एक्ट लाया जा रहा है। एक इसका होता था सेक्शन 191 करके, जो क्या करता था कि वो डिसअलाउ करता था पर्संस को फ्रॉम सेंडिंग बाय पोस्ट क्या क्या चीजें, एनी एक्सप्लोजिव डेंजरस फिल्दी नॉक्सियस और डिलेटेरियस सब्सटेंस, एनी शार्प इंस्ट्रूमेंट नॉट प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, और एनी लिविंग क्रिएचर विच इज इधर नॉक्सियस और लाइकली टू इंजर पोस्टल आर्टिकल्स। तो ऐसी चीजें जो है इसमें अलाउड नहीं है, तो ये अभी इस बार भी ये रखा जाएगा। ऑब्वियसली इसको तो चेंज नहीं किया जा सकता। साथ में कुछ और सेक्शन हैं, सेक्शन 25-26, उनमें भी गवर्नमेंट कुछ चेंजेस कर रही है। तो जो एक्चुअल में ये जब एक्ट बन जाएगा उसके बाद हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। साथ में जो 1898 का एक्ट में जो सेक्शन 4 था उसको अब रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि इसमें ये बताया हुआ था कि केवल और केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी के पास एक्सक्लूसिव प्रिविलेज होगा कन्वेइंग बाय पोस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑल लेटर्स दी। तो इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर आ जाती थी कि वो जो है लेटर एक तरह से दूसरी जगह पे भेजेगी, और रिसीव करने का, कलेक्ट करने का, सेंडिंग और डिस्पैच करने का और डिलीवरी करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। पर हो क्या रहा था कि एक्चुअल में 1989 के बाद से हम क्या देख रहे हैं, जब से पोस्ट ऑफिस एक्ट आता है, कि यहाँ पर जो कोरियर सर्विसेज हैं वो अच्छी खासी काम करने लगती है 1980s के बाद से, और अभी चल ही रहा है, क्योंकि वो लेटर की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो एक्ट में दी हुई नहीं है, और इस वजह से डॉक्यूमेंट या पार्सल के नाम से जो है कोरियर सर्विसेज अच्छी खासी मोमेंटम में है, और इसीलिए आप चाहती है गवर्नमेंट की ये इनका काम भी बेटर चलता रहे, इसलिए जो है एक्सक्लूसिवली जो यहाँ पर वर्ड है उसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में जो था उसको रिमूव कर दिया गया इसमें। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, और जो नेक्स्ट न्यूज है वो रेड सी से है, तो ये भी मैपिंग की न्यूज है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज की न्यूज डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये बड़ी भी होगी पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हैं जो ईरान अलाइंड जो हाउती मिलिशिया है, ये तो इस बार के प्रीलिम्स में पूछ लिया है, तो इन्होंने अनाउंस किया कि हम भी जो है अब गाजा के सपोर्ट में जो है वॉर ज्वाइन कर रहे हैं, और इस वजह से क्या कर रहे हैं कि ये रेड सी में जो ट्रेड हो रहा है पर्टिकुलरली बाबल मंदेब स्ट्रेट से, वहां पर ये जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर कुछ मैपिंग की लोकेशन से मैंने मैप भी रखा है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात होती है कि यहाँ पर कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कि ईरान है, सऊदी अरेबिया, बहरीन है, कुवैत, इराक, कतर,
ये मेजर जियोपॉलिटिकल चौक पॉइंट्स जो हैं रेड सी में, उसके आसपास ये देखे जाएंगे। अभी सऊदी अरेबिया की नई सिटी है सिटी ऑफ नियोम करके, वो भी जो है रेड सी के कोस्ट पर बनाने की बातचीत की जा रही है। गल्फ ऑफ एडन भी यहाँ डिस्कशन में है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट की बात हो ही गई है जहां पर मुद्दा चल रहा है। एक्चुअल में यमन, जिबूती और जिबूती के साथ इसमें देखेंगे इरिट्रिया, ये तीन कंट्री जो हैं बाब अल मंदेब स्ट्रेट के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो मिलिट्री स्टेशन अगर देखते हैं जिबूती में, तो यूएस का भी है, चाइना की भी है, जापान, इटली और फ्रांस। तो ये एक इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट होकर यहाँ पर ये सब मिलिट्री स्टेशन होने के बावजूद भी जो है हाउतीज यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये डिस्कशन हो जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, मिडिल ईस्ट की किसी ना किसी मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चन इस बार मिलेगा। मैं बता देता हूँ डिटेल में, यहाँ चीजें देख लेते हैं। पहले यहाँ पर बाबल मंदेप, ये है बाबल मंदेप की अगर बात करेंगे इस स्ट्रेट की, तो यहाँ पर सीधी सी बात है यमन इसके साथ होगा, जिबूती होगा और इरिट्रिया होगा, तीन कंट्री का नाम होगा यहाँ पर। गल्फ ऑफ एडन की अगर बात करेंगे तो फिर अलग तीन कंट्री होंगी, जिनमें एक यमन होगा, एक जिबूती होगा और साथ में सोमालिया होगा, तीन तीन कंट्री की बात होगी। ये अरेबियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट कर रही है, फाइन। इसके बाद यहाँ पर ये रेड सी का पूरा हिस्सा आ गया, रेड सी के हम कंट्री देखेंगे यमन इधर से, सऊदी अरेबिया यहाँ से, उसके बाद यहाँ से हम इजिप्ट को देख लेंगे, ये बाकी कंट्री नहीं होंगी इसमें पार्ट में, ठीक है। और यहां से हम देखेंगे तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा कि इरिट्रिया यहां पर है, इजिप्ट हमने यहां से ले लिया है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर इथोपिया इसके साथ नहीं होगा क्योंकि इरिट्रिया आ जाता है, फाइन। उसके बाद हम देखते हैं कि गल्फ ऑफ अकाबा है, दैट इज गल्फ ऑफ अकाबा विच इज बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड देन इजिप्ट, और इसमें साथ में यहाँ देख सकते हैं जॉर्डन और इजराइल, आई थिंक नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी नोट्स में मैं इसका एग्जैक्ट बता दूंगा। ये गल्फ ऑफ स्वेज है और ये स्वेज कनाल है, तो गल्फ ऑफ स्वेज या स्वेज कनाल ये दोनों तरफ से इजिप्ट के बीच में आती है। ये गाजा स्ट्रिप यहाँ पर है, ये पूरा इसराइल का पार्ट है। ये सिनाई पेनिनसुला देखने को मिलेगा, ये सिनाई पेनिनसुला देखने को मिलेगा इजिप्ट में, जो कौन सा इजिप्ट, मिडल ईस्ट का जो पार्ट है। अल अकाबा जो जॉर्डन में है, इसी वजह से इसको गल्फ ऑफ अकाबा बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर पर्शियन गल्फ की बात करता हूँ, ये पूरी पर्शियन गल्फ है। कंट्रीज अगर मैं यहाँ देखूंगा तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि यूएई है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ कतर को भी ले लूंगा, साथ में मैं यहाँ पर बहरेन को भी ले लूंगा, कुवैत को भी ले लूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ से ईरान भी इसमें पार्टनर होगा और इराक भी होगा, ये सब इसके कंट्रीज होंगे नेबरिंग गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ के। मैं देखूंगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसकी हम यहाँ बात कर रहे थे, ईरान इसके साथ होगा, यूएई इसके साथ होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओमान देखने में यहां तक है, पर ओमान का एक ये हिस्सा भी यहां पर है, और इसीलिए ओमान गल्फ ऑफ ओमान के साथ तो है ही है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ भी इसका नाम आता है, ठीक है। बंदर अब्बास ये ईरान का पोर्ट है, ठीक है, या एक इंपॉर्टेंट सिटी भी है यहाँ पर, जाहिदान हम यहाँ बात कर रखे हैं काफी बार, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। अलबसरा की भी न्यूज में आती है, ये इराक का पार्ट है, ये यूएई का पूरा हिस्सा हो जाता है, तो ये सब चीजें हैं। और ये सोकोट्रा आइलैंड है, ये यमन का है, यहाँ पर भी काफी बार इंडिया की बातचीत होती रही है, यहाँ के एक अपना मिलिट्री बेस बनाने की, अभी बना नहीं है पर ये भी पता होना चाहिए। तो ये मैपिंग में यहाँ से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। रूबल खाली करके लोकेशन सऊदी अरेबिया की है, ये एरिया को बोला जाता है। यमन में साना इसकी कैपिटल है, तो इस बार हो सकता है कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया जाए, तो साना इसकी कैपिटल है। और जो और भी न्यूज में रहेगा, जिबूती यहाँ पर है लोकेशन में। यहाँ की और भी जो चीजें आएंगी, डेड सी जॉर्डन में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ और भी जो चीजें न्यूज में आएंगी, वो सब मैं मैपिंग में उनसे रिलेटेड जो जो भी मैपिंग होगी उसी में मैं लेके चलता रहूंगा। यहाँ लेबनान हमने देखा था, इसराइल यहाँ हो गया, सीरिया यहाँ पर देख लिया, अलेपो यहाँ एक बार पूछा जा चुका है, दमास्कस यहाँ पर ये भी पूछा जा चुका है, गोलन हाइट्स ये भी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है, जो यहाँ पर लेबनान सीरिया बॉर्डर पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ये है, और यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस बार देखने को मिलेगा। लेक उर्मिया जो करके है ये ईरान में है, और लेक मैन जो करके है वो तुर्की में देखने को मिलती है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, फिलहाल इसमें इतने देखते हैं, ठीक है। यहाँ हम बात कर ही रखे हैं बॉस्पोरस और डेंड्रिलिस की बात कर ही रखे हैं, एजेंसी यहाँ पर था ही हमारा, ब्लैक सी यहाँ पर बात कर ही ली थी हमने, ठीक है। इसके बाद हम और कैस्पियन सी को लेकर हम देखते हैं, तो कैस्पियन सी यहाँ पर है, क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से एक बार, तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर है, कजाकिस्तान यहाँ पर है, रसिया यहाँ पर है, और अजरबैजान यहाँ पर है, और ईरान यहाँ पर है। तारीख करके इसको याद करने का एक ट्रिक हो जाता है, जिसमें ये सभी कंट्रीज को ध्यान में रख सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, और नेक्स्ट न्यूज है वो डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड है, जहां पर यूरोपियन यूनियन और यूएस ने क्या किया कि हमारी जो आरओडीटीपी स्कीम है उस पर अभी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई है, तो उसी कंटेक्स्ट में बात हुई है, तो ये स्कीम को लेकर आगे भी डिस्कशन होगा। दैट इज द रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स स्कीम, ये इंडिया की लेटेस्ट स्कीम है, 2021 से चल रही है, जनवरी 2021 से, जब एमईआई से स्कीम को डिसकंटिन्यू करके उसकी जगह ये लेकर आए थे, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम करके हुआ करती थी, जो 2015 से चली आ रही थी। फाइन, तो ये एक परफेक्टली डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट की स्कीम है ऐसा हम बोलते हैं, तो अभी डब्ल्यूटीओ में जब बातचीत होगी तब देखते हैं क्या निकल कर आता है। स्कीम जनवरी 2021 से है, मेन इसका काम क्या है कि ये रिफंड्स करती है एम्बेडेड ड्यूटीज एंड टैक्सेस सच एज वैट, ठीक है, ऑन फ्यूल यूज इन ट्रांसपोर्टेशन, मंडी टैक्स एंड ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूज इन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एक्सपोर्टेड आइटम्स, ये सब चीजों पर ये जो है एक तरह से फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराती है मैन्युफैक्चरर्स को और जो एक्सपोर्टिंग एंटिटीज है उनको। तो ये बताया जा रहा है कि एमईआई इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं थी, तो ये स्कीम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया गया, और इसमें जो अगर इसमें हेल्प की जाती है या जो बताया जाता है कि जो एक्सपोर्टर्स को जो एक्चुअल में जो रेमिशन रेट्स मिलती हैं वो 0.3% से लेकर 4.3% के बीच में मिलती हैं, जो कि बड़े मेटिकुलसली वे में कैलकुलेट की जाती हैं। तो ऐसा बोले ऐसा कुछ इश्यू होने वाला नहीं है कि डब्ल्यूटीओ की जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है उसको मीट ना करते हों, ऐसी हमें दिखता नहीं है। हालांकि यूएसए ने अभी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई है, तो उसी पर लेकर देखते हैं। काउंटरवेलिंग ड्यूटी का भी हमने कंसेप्ट समझ लिया था, एक्चुअल में वही था कि सीवीडी का मैन और कुछ प्रोडक्ट्स पर हमारे लगाया है, उसी लिए ये डिस्कशन में है, जिसमें काउंटरवेलिंग में ये होता है कि हम यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स को इस तरह से सपोर्ट करें, इस तरह का यहाँ से फाइनेंशियल एड देकर और हमारी स्कीम के थ्रू या सब्सिडी प्रोवाइड करा के करें कि ताकि वो फॉरेन कंट्री में जाकर जो है वहां की लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपेरिजन में उनसे कम प्राइसेस पर वहां पर अवेलेबल हो सके। इस केस में वो फॉरेन कंट्री जो है अपनी इंडस्ट्री को सेव करने के लिए उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाती है, ताकि प्राइस कॉम्पिटेटिव हो जाए उनके प्रोडक्ट्स हमारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन में। ये एक कंसेप्ट होता है, ठीक है, तो ये इकोनॉमी कंसेप्ट है, इसको भी फिर से न्यूज में जब होगा या इकोनॉमी के में हम देख लेंगे, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। न्यूज है कि रमन सिंह फाइल्स पेपर फॉर छत्तीसगढ़ स्पीकर पोस्ट, तो और कांग्रेस बैक सिंह। देखिए क्यों रखा मैंने इस न्यूज को, स्पीकर को लेकर पूछा जा सकता है कि स्पीकर का कैसे प्रोसेस होता है अपॉइंटमेंट होने का, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, इलेक्ट होता है स्पीकर पहली चीज तो, और इलेक्शन में क्या होता है स्पीकर को भी स्पीकर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, कई बार पता नहीं होता कि ठीक है पॉलिटिकल पार्टीज ने कह दिया कि यही है हमारा और ऐसा नहीं है, वो उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरीट में जाकर बिल्कुल अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। और यहाँ पर जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम भी जो है इसी एक, क्योंकि नॉर्मली जहाँ मेजोरिटी से गवर्नमेंट बन जाती है वहां पर अपोजिशन पार्टी भी उस स्पीकर को सपोर्ट करती है, क्योंकि कोई मतलब तो है नहीं, मेजोरिटी उनके पास है, तो ये इसमें ये समझने वाली चीज है कि वो अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, नॉमिनेशन अप्लाई किया जाता है, पर्टिकुलरली कुछ लोग साथ में जाते हैं, साथ में एक स्पीकर प्रोटेम की बात होती है, हालांकि लिखने को आपको देखने को मिलेगा कि प्रोटेम स्पीकर, पर एक्चुअल में ये टर्म बाद में आती है स्पीकर प्रोटेम, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इसको बोला जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, पर ये एक परंपरा बन गई है कि जब भी नए इलेक्शन के बाद जब हाउस में लोग आते हैं तो उसके बाद एक्चुअल में एक पिछले वाले जो एमएलए या एमपी जो उनमें से जो सीनियर मोस्ट जो भी एमएलए एमपी है उसको एक तरह से गवर्नर क्या करता है कि स्पीकर प्रोटेम के फॉर्म में उसको अपॉइंट करता है, और वो जो है उस फर्स्ट सेशन को कंटिन्यू करता है वहां से, और वहां से जो है जो नए एमएलए एमपी जाते हैं उनको वहां पर उनकी पोस्ट की ओथ करवाई जाती है, और उसके बाद जो है वो एक टेम्पररी पोस्ट होती है, जैसे स्पीकर अपॉइंट मान लिया जाता है उसके बाद वो सीट अपने आप ही वैकेंट हो जाती है। ये एक कंसेप्ट है इसके पीछे, तो फिलहाल यही था इसमें से। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज थी वो स्पाइसेस बोर्ड से थी, स्पाइसेस बोर्ड ने वार्निंग दी है अगेंस्ट पैरेलल कार्डमम ऑक्शंस। तो एक्चुअल में इशू क्या हो रहा है कि कुछ फार्म्स या कुछ कंपनीज है वो क्या कर रही हैं कि बिना लाइसेंस लिए भी जो है वहां पर कार्डमम की ऑक्शंस करवा रही हैं, जो कि एप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअल में इसके लिए एक पर्टिकुलर लाइसेंस लेना होता है अंदर कार्डमम रूल्स 1987 एंड स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986, उसके बाद ही वो ऑक्शनिंग करवा सकती हैं। तो कुछ जगह ये प्राइस मैनिपुलेशन के चक्कर में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ पर देखने के लिए जरूरी हो जाता है, और इन्हीं को इलीगल ऑक्शन मान लिया जाता है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है।
मतलब इस कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि स्पाइसेस बोर्ड को क्वेश्चन यूपीएससी पूछती भी रही है ऐसे कुछ बोर्ड्स को लेकर। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है, रेगुलेटरी और एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी है इंडियन स्पाइसेस को लेकर। और इसमें देखा गया कि हेडक्वार्टर जो है वो कोची केरला में देखने को मिलेगा, पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज हम देखेंगे 1987 से ये एस्टैब्लिश्ड है अंडर स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 दैट मींस स्टैट्यूटरी बॉडी है। काम क्या है इसका, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्डामम, फाइन, एंड कार्डामम के तो प्रोडक्शन और डेवलपमेंट दोनों चीजों को देखा गया, साथ में एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ 52 स्पाइसेस शोन द शेड्यूल। तो जितने भी तरह के स्पाइसेस हैं टोटल अभी 52 इसमें एडेड है। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को कभी बोलना नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो इसमें नहीं आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद हम देखते हैं सुल्तानपुर पार्क रिकॉर्ड्स 20% डिक्लाइन इन माइग्रेटरी बर्ड्स, ठीक है। तो सुल्तानपुर पार्क या सुल्तानपुर नेशनल पार्क का आइडिया होना चाहिए, हरियाणा में है, गुरुग्राम में है, और ऑल्सो इट इज अमंग दी 75 रामसार साइट्स इन इंडिया, पहली चीज। और इसमें देखते हैं इसके आसपास की लोकेशन, दैट कुछ स्मॉलर वेटलैंड है इस डिस्ट्रिक्ट में, लाइक बसई और द चंदू बुधेरा कनाल, वो भी यहाँ पर है। उसमें भी देखा गया कि बर्ड्स के जो माइग्रेटरी बर्ड्स का नंबर में कमी आई है। साथ में यहाँ पर बसई वेटलैंड इज नॉट ओनली पॉपुलर अमंग द बर्ड वॉचर्स इन द एनसीआर, बट ये क्या है कि इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, ठीक है। आईबीए कौन अपॉइंट करता है या कौन इसका स्टेटस देता है ये भी पता होना चाहिए, ये एनवायरमेंट में मिल जाएगा आपको। बसई वेटलैंड भी यहाँ पर है गुरुग्राम में, जबकि कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर में तो फिर भी चलो माइग्रेटरी बर्ड्स आने लग गए, बाकी जो ये बसई और जो चंदू बुधेरा इसमें तो अभी तक कोई एवियन गेस्ट आया भी नहीं है। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं और ये है सूडान से, यहां पर एक लोकेशन आती है सिटी ऑफ वाद मदानी। तो इसमें भी अब वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है, जो पहले काफी पीसफुल माना जाता था, सूडान में काफी टाइम से वहां पर फाइट चल रही है वहां की आर्मी और वहां की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के बीच में, आरएसएफ के बीच में, जो वाद मदानी में भी होने लगी है, जो स्टार्ट हुई थी वहां की कैपिटल खारतूम से, ठीक है। तो ये लोकेशन पता होनी चाहिए, मैपिंग से रिलेटेड मैं कुछ चीजें नहीं छोड़ने वाला हूं और क्वेश्चन डेफिनेटली इन्हीं से आएगा। और फिर आज की लास्ट न्यूज हम देखते हैं, ये एक मुगल स्पॉन्सर्ड टेम्पल करके बताया जा रहा है, लोकेशन दिल्ली में ही बताई जाती है, मैरोली में, जो योग माया टेम्पल है उसके बारे में बातचीत है। कहा जाता है कि मुगल स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर रही है ये, और एक मुगल एम्पायर अकबर सेकंड जो हुआ करते थे उसके टाइम में एक नोबल होता था लाला सिद्धुमल, उसने ये टेम्पल बनवाया था बिटवीन 1806 to 1837। और इस एरिया को जो है योगिनीपुरा एरिया बोला जाता है इन एंशियंट जैन टेक्स्ट में। और तब ये भी कहा जाता था कि जो पृथ्वीराज चौहान था वो खुद भी यहां पर जो है एक योगिनी टेम्पल को उसने पेट्रोनाइज करवाया था यहां पर, इस सिटी के डिस्ट्रक्शन होने से कुछ टाइम पहले, क्योंकि मैरोली में भी अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन हुआ था। तो वहां पर फिर बाद में लाला सिद्धुमल ने जो है, जिसको सेडमल भी कहा जाता था, उसने यहां पर यह टेम्पल बनवाया जो आज के टाइम देखा जाता है योगिनी टेम्पल, जो एंशियंट योगिनी टेम्पल था उसी की लोकेशन पर जो है योग माया टेम्पल बनवाया था। तो अभी बताया जाता है कि इसकी बड़ी जीर्ण अवस्था है, कोई अच्छी सिचुएशन में यह है नहीं, तो इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। साथ में ये एक अकबर सेकंड के रूल के साथ ही एक फोकल पॉइंट माना जाता है इस टेम्पल को, क्यों, क्योंकि जब अकबर सेकंड का जो सन था वो जब ब्रिटिश प्रिजन से रिलीज किया गया इलाहाबाद में, तो उस टाइम जो एम्परर की जो वाइफ थी उसने जो है कुतुबुद्दीन दरगाह में तो चादर भेजी थी फूलों की, साथ ही साथ उसने जो है योग माया टेम्पल में भी एक फूलों की चादर भेजी थी, और वो परंपरा अभी तक भी फॉलो की जा रही है, जो कि एक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी अच्छी चीज मानी जाती है, जो कि फूलों वालों की शहर के नाम से आज भी फेमस है। साथ में अकबर सेकंड जो है वो उसने काफी लंबे टाइम तक सिंधियाज की पेट्रोनेज में रहा है, ठीक है। तो जो मराठा थे वो भी जो है उस टाइम मुगल्स के प्रोटेक्टर होते थे, स्पेशली ड्यूरिंग शाह आलम रीन, तो इसलिए भी जो है इस टेम्पल को स्पेशल एक वो देखा जा सकता है कि स्पेशल प्रोटेक्शन उस टाइम मिला। और साथ में कहा जाता है भगवत में तो ये भी कहा जाता है कुछ, जैसे नमिता सेट्टी ने कहा है कि कुछ जगह तो ये भी कहा जाता है कि भगवत में कि जो लॉर्ड कृष्णा का जो बर्थ हुआ था और जो कंस
एक्चुअल में जो लॉर्ड कृष्णा को उसकी बर्थ के साथ ही उसको मारना चाहता था एक्चुअल में, वो इससे लॉर्ड कृष्णा जो बचते हैं वो एक्चुअल में इस योग माया टेम्पल की हेल्प से ही बचते हैं, यहाँ तक भी भगवत में कहा जाता है। तो ये चीज आपस में लिंक की हुई है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती है, पर हाँ इंटरेस्टिंग वे में इसको समझ सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने यह टेम्पल बनाया गया होगा और किसी दूसरे राणा साफी करके और हिस्टोरियन हो तो ये भी कहते हैं कि जो युधिष्ठिर के टाइम से, महाभारत के टाइम से जो युधिष्ठिर के द्वारा जो टेम्पल अब जो बचे हुए हैं, लगभग 5 टेम्पल की बात होती है, उनमें से एक टेम्पल ये भी माना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही मेन चीजें हैं कि अकबर सेकंड का इसके साथ है, शाह आलम का लिंक है, और साथ में जो थॉमस मेटकाफ था जो गवर्नर जनरल एजेंट का एजेंट था दिल्ली में, उसने भी योगमाया टेम्पल को लेकर बातचीत की हुई है। तो इसके साथ आज का न्यूज डिस्कशन यहीं पर कंप्लीट होता है और हम अब इसको यहीं पर एंड करते हैं विद द वर्ड ऑफ द डे विच इज अयॉप, दैट मीन्स मेक ए रॉकस नॉइज और कंप्लेन विनिंगली, और सिनोनिम्स देख ही सकते हैं वाइन ग्रीजल और बॉल। फाइन, तो इसी के साथ हम एंड करते हैं और कल फिर मिलते हैं, और ध्यान रहे आज की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से ये डिस्कशंस को बीच में रोकना नहीं है, सभी डिस्कशंस को देखना है, रेगुलर न्यूज़ आती रहेंगी, रिलेवेंट न्यूज़ आती रहेंगी और अपकमिंग प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्वेश्चन पेपर टैकल करना है अच्छे से, तो किसी भी दिन का न्यूज़पेपर डिस्कशन जो है वो अवॉइड नहीं करना है। ऐसा न्यूज़पेपर डिस्कशन आपको यूट्यूब पे कहीं और अभी मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं इसको तैयार करने में, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर से काफ़ी चीज़ें निकाल के फिर रखी जाती हैं, अच्छे खासे एफर्ट्स, अच्छी खासी रिसर्च होती है, उसके बाद आपके लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। सो प्लीज़ कीप कंटिन्यू विथ मी। ओके।